हे गाइज दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी हिंदी और आप सभी का स्वागत है आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो अच्छी होगी चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में हम लोग गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे गुप्त साम्राज्य में हम लोग किस आ, क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं उसकी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गुप्त राजवंश के बारे में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत की प्राप्ति होती है और कौन कौन से साहित्यिक स्रोत को किस किस ने लिखा है ये प्रीलिम्स में काफी पूछा जाता है आपसे साहित्यिक स्रोत पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की पुरातात्विक स्रोत में वही मंदिर भवन इसके अलावा सिक्के ये सभी चीजें आएंगी और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से भी हम लोग गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे इसके अलावा विदेशी यात्री हमारे भारत देश में आए जिस प्रकार से फायन आया जिस प्रकार से वैनसांग आया इन्होंने भी गुप्त राजवंश के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा तो इनके भी इनके जो विवरण हैं उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले श्रीगुप्त गुप्त काल के प्रमुख शासक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे श्रीगुप्त के बारे में इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ये काफी महत्वपूर्ण शासक है और इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे काफी महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसके अलावा हम लोग फिर बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की फिर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से इन गुप्त राजवंश के राजाओं ने अपनी नीतियों के माध्यम से गुप्त राजवंश गुप्त राजवंश को स्थाई बनाया ओके इसके बाद हम लोग कुछ आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेंगे कुछ सिक्कों की बात कर लेंगे कुछ कला एवं साहित्य की बात कर लेंगे इसके बाद जो छोटे मोटे आपके शासक हैं अन्य शासक उसकी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है ना फिर वही बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बात करेंगे प्रशासन में जो शब्दावलियां होती हैं ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं आपके लिए इसी के अलावा फिर न्याय व्यवस्था सैन्य व्यवस्था ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की गुप्त साम्राज्य हमारा आज का सेशन है ठीक है चलिए आप सभी लोग जानते हैं अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं इन सभी टॉप एजुकेटर के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा यानी कि आप सभी के कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप जानते हैं कि कितनी कम फीस है सत्तावन हजार पाँच अगर सभी की फीस को मिला दिया जाएगा तो लगभग दो पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री लैक्स इसकी फीस होगी लेकिन ये सभी चीज़ें आपको जो है केवल और केवल सत्तावन हजार पाँच सौ में मिल रही है और एक तारीख के बाद फीस बढ़ जाएगी तो जो भी विद्यार्थी हैं जो सिस्टमेटिक वे से पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं एक तारीख से पहले सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर क्या मिल रहा है मिल रहा है आपको यहाँ पर 25 परसेंट का ऑफर 25 परसेंट की छूट मिल रही है आपको इसके अलावा 10 परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है आपको इसके अलावा एक्सटेंड ऑफर भी मिल रहा है यानी कि जब तक आपका मेन्स का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका सब्सक्रिप्शन काम करेगा फिर चाहे वो कभी भी हो कोरोना वायरस की थर्ड लहर आए फोर्थ लहर आए फिफ्थ लहर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर 50 टे, अस्सी टेस्ट आपको मिल रहे हैं जिसमें 50 टेस्ट आपके प्रीलिम्स के होंगे और 30 टेस्ट आपके मेंस के होंगे तो ये भी आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं कोर्स के साथ में जिसकी कीमत मार्केट में तीस हजार रुपए है ये आपको फ्री में मिल रहे हैं ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं भारी भरकम फीस नहीं दे सकते उनके लिए भी लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है इस लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इस लिंक पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब नोट्स की दिक्कत नहीं है नोट्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे बीस बुकलेट मिलेगी बीस बुकलेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं ये बुकलेट इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाई गई है यहां पर आइकॉनिक और प्लस है आप जानते हैं आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए पर्सनल गाइडेंस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ऐसे विद्यार्थी जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनके लिए प्लस है प्लस में आपको क्या मिलेगा लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस और आइकॉनिक में आपको प्लस के फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस ये भी आपको मिलेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्सनल गाइडेंस यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं एक साल की दो साल की और तीन साल की इसमें आपको भारी भरकम छूट मिलने वाली है आप यहाँ पर रेफरल कोड में बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करना आइकॉनिक और प्लस में अगर आप अकेला ऑप्शनल लेना चाहते हैं सिंपल या फिर आइकॉनिक तो ये यहाँ पर फीस आपको दे रखी है आफ्टर डिस्काउंट बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करने के बाद आप अकेला ये भी ले सकते हैं इसके अलावा अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आप जानते हैं हर संडे को होती है ग्यारह बजे साठ मिनट में साठ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये टेस्ट आपका फ्री होता है अन अकेडमी ऐप पर ये टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है लगभग चार करोड़ रुपए तक के आप यहां पर प्राइस जीत सकते हैं ठीक है चलिए तो ये सब बातें हो गई हैं इक्कीस तारीख से बैच स्टार्ट हो, होने वाले हैं यानी कि आज से तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक साल के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं दो साल के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं इंग्लिश में हिंदी में आप सभी एजुकेटर के कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से फ्री टेस्ट सीरीज हमारे तीन प्लेटफॉर्म पर चल रही है पाथफाइंडर राइस सेवन पॉइंट जीरो वर्ड अफेयर फोर पॉइंट जीरो ठीक है ध्यान रखना जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हो या फिर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप आ सकते हैं रही बात मेरे टेलीग्राम ग्रुप की तो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पी वगैरह आपको मिल जाएगी ओके okay, चलो हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में सभी को आवाज़ ठीक आ रही है सभी को आवाज़ ठीक आ रही है चलिए आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा नहीं एक्चुअली मुझे बहुत बड़ा काम था सुबह सुबह इसलिए उस काम को करने के बाद ही हमारी क्लास संभव हो पाई मैं चाहता तो क्लास को नेक्स्ट डे भी पोस्टपोन कर सकता था लेकिन सोचा मैंने कि नहीं अरे एक घंटे लेट हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो साढ़े आठ के लगभग जो है हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए आपका टाइम खराब हुआ कोई बात नहीं है चलिए मेरी बात सुनिए हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में देखिए इसके पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना ये मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद जितने भी आपके विदेशी आक्रमणकारी आए उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है अब ऐसे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं उन्हें पता नहीं है तो प्ले पड़ी हुई है एंशियंट हिस्ट्री की तो वो आराम से देख लें ओके ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल के पतन के बाद किस प्रकार से हमारे भारत देश में शक आए कुषाण आए पहलव आए और इन्होंने हमारे भारत देश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और शासन किया था फिर देखते हैं किस प्रकार से ये शक कुषाण पहलव इन सब का पतन हो जाता है और किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य की नींव डलती है बस इसी की पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा बहुत जो है आप पहले वाले सेशन में जाकर देख लेना एक बार है ना अचानक से गुप्त साम्राज्य स्टार्ट नहीं हुआ है देखिए, फिर भी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि है वो मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए देखिए चौथी सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था हम लोग किसकी बात कर रहे हैं चौथी सदी ईस्वी में यद्यपि कुषाण और शक शासकों का शासन चौथी सदी ईस्वी तक जारी रहा लेकिन उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी के ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो चुका था ठीक है तो आप समझिए हमारे भारत देश में मौर्य काल के बाद बहुत सारे विदेशी शासक आए जिसमें कुषाण और शक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन लंबे समय तक ये शासन नहीं कर पाए इसी प्रकार से हमारे भारत देश में कोई केंद्रीय शक्ति भी नहीं थी जिस प्रकार से हमारे भारत देश में उस समय पर मौर्य साम्राज्य केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी उसी प्रकार से हमारे भारत देश में मौर्य काल के बाद कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि एकता के सूत्र में पूरे भारत देश को बांधे चौथी सदी आते आते कुषाण और शक इनकी शक्ति जो है बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी तो कौन आएगा आप मुझे बताओ कुषाण और शक कमजोर हो गए तो कोई ना कोई सामंत कोई ना कोई छोटा राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा कोई ना कोई छोटा राज्यपाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा ठीक है क्योंकि मैंने कहा था ना जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो सामंत जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और उसी प्रकार से यहां पर गुप्त राजवंश की नींव डाली जाती है जब शक और कुषाण दोनों की दोनों कमजोर हो जाते हैं कुषाण के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों और गणतंत्रों का उदय हुआ राजतंत्रों में गुप्त नाग आभीर इक्ष्वाकु, गणतंत्रों में आर्जुनयन और मालव योधे लिक्ष्वी देखिए हम लोग जो है इन गणों के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है हम लोग गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और ये गुप्त राजतंत्र में आता है ना कि गणतंत्र में आता है आप ध्यान रखना उस समय पर यानी कि चौथी शताब्दी के समय पर हमारे भारत देश में राजतंत्र की भी स्थापना हुई थी और हमारे भारत देश में गणतंत्र की भी स्थापना हुई थी गणतंत्र में मैंने आपको बताया अर्जुन आयन मालव योधे और लिच्छवी राजतंत्रों में कौन कौन थे आपके नाग आभीर इक्श्वा इस प्रकार से हमारा भारत देश छोटे छोटे राजतंत्र में इस प्रकार से हमारा भारत देश छोटे छोटे गणतंत्र में बट गया था ठीक है कुषाणों के बाद लगभग चार शताब्दियों तक भारत का सामाजिक धार्मिक और साहित्यिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता जा रहा था लगभग चार शताब्दियों तक हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए ये हमारे समाज में घुल मिल गए और हमारे समाज का विकास किया इसी प्रकार से हमारे धर्म का भी विकास हुआ क्योंकि आप जानते हैं लगातार हमारा धर्म जो है अनेक संप्रदायों में बढ़ रहा था चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो आपका बौद्ध धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो ठीक है इसी प्रकार से साहित्य और वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास भी होता जा रहा था लेकिन ध्यान रखना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के समय ईस्वी इस, के समय पर उस समय पर गुप्त का शासन आरंभ हो चुका था और गुप्त राजाओं ने इनको यानी कि साहित्यिक जो रचना करते हैं उनको काफी संरक्षण दिया वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया इन्होंने ठीक है जिस वजह से साहित्य के क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में काफी विकास हुआ यह है आपका गुप्त राजवंश आप मैप में देख सकते हैं इतना बड़ा राजवंश था लगभग लगभग पूरे भारत में इसका विस्तार था उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र इसके अधीन था लगभग लगभग देखा जाए तो और जरूरत थी हमारे भारत देश को एक केंद्रीय सत्ता की कुषाण और शक के बाद एक केंद्रीय सत्ता स्थापित की थी वो थे आपके गुप्त राजवंश के राजा आप देखना इनका जो एरिया है ना दक्षिण भारत में घटता बढ़ता रहेगा दक्षिण भारत को अगर ये चाहते तो जीत लेते लेकिन दक्षिण भारत को उन्होंने डायरेक्ट जीता नहीं इन्होंने युद्ध करके हरा के यहाँ के राजाओं को और उनसे कर वसूलना तय किया क्योंकि देखो दक्षिण को रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था जितने भी राजा आए जिन्होंने दक्षिण को रेगुलेट करना चाहा या फिर दक्षिण को जो है अपने अधीन करना चाहा वो बर्बाद हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक भी कभी उत्तर भारत में जाता कभी दक्षिण भारत में जाता आपने औरंगजेब औरंग के बारे में भी सुना होगा औरंगजेब भी दक्षिण भारत के अभियान में उलझा रहा और आप देख सकते हैं किस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया तो गुप्त गुप्त राजवंश के राजाओं ने ऐसी गलती नहीं करी गुप्त राजवंश के राजाओं ने इन दक्षिण भारत के राजतंत्रों को हराया हराने के बाद उनसे कहा कि भैया आप टैक्स वैक्स देते रहना और कभी विद्रोह मत करना हमसे वरना हम तो मैं निपटा देंगे ठीक है तो गुप्त राजवंश अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत में भी है ना फैला हुआ था लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ठीक है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व महत्व वाला प्रांत था क्योंकि तो आरंभिक गुप्त मुद्राएं अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं ठीक है तो आप ध्यान रखना गुप्त वंश का जो आरंभ है और गुप्त वंश की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी उत्तर प्रदेश और बिहार देखिए जितने भी आपके हों चाहे मौर्य काल के हों चाहे शक हों चाहे कुषाण हो कोई भी हो या फिर महाजनपद काल के आपके राजवंश हो सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्र में ही बस जाते हैं क्यों उनका उदय होता है क्यों क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि गंगा नदी के क्षेत्र में आता है और गंगा नदी से आप जानते हैं सिंचित भूमि पैदा होती है सिंचित भूमि मिलती है और सिंचित भूमि से क्या है वहाँ पर उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी उस भूमि की तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो राजवंशों को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होगा इसलिए आप देखना मैक्सिमम आपके एम्पायर जो होंगे मैक्सिमम आपके वंश जो होंगे वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में काफ़ी होंगे चाहे वो मौर्य काल का हो चाहे गुप्त हो कोई भी हो किसी नदी के आसपास तो बसेंगे बसेंगे तो गुप्त वंशों का भी जो मैक्सिमम शासन था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में था है ना और इसके साक्ष्य हमें मालूम चल जाते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं अभिलेख के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि कहाँ तक इनका शासन था तो इनके मुख्यतः जो अभिलेख है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम देखने को मिले हैं ठीक है ठीके? आगे देखिए गुप्त संभवतः वैश्य थे वैश्य का मतलब यानी कि बनिया थे है ना आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो गुप्ता लोग हैं वो वैश्य ही होते हैं मैक्सिमम गुप्ता लोग वैश्य होते हैं और बहुत सारे इतिहासकार इनको बनिया मानते हैं और कुछ बोलते हैं कि भैया ये ब्राह्मण थे कुछ बोलते हैं कि ये छत्री थे लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है इनकी जाति क्या थी इनका वर्ण क्या था ऐसे कोई मतलब नहीं है तो जो मैक्सिमम इतिहासकार हैं वो इनको वैश्य बोलते हैं कुछ इतिहासकार इनको ब्राह्मण भी बोलते हैं कुछ इतिहासकार इसको छत्री भी बोलते हैं ना तो हम लोग संभवतः बोल रहे हैं संभवतः ये वैश्य थे संभवतः ये वैश्य थे ध्यान रखना कोई फिक्स नहीं है किस वर्ण के थे ये लेकिन संभवता हम लोग वैश्य और कभी भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी जहां पर संभवता आएगा वहां पर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा जहां पर फैक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कभी ये नहीं पूछता वो कि गुप्त किस वंश के थे किस जाति के थे ठीक है जाति के पीछे तो कभी भी यूपीएससी पूछते ही नहीं है और ध्यान रखना गुप्त जो थे वो के, कौन थे कुषाणों के सामंत थे देखो कुषाण स्टार्टिंग में बहुत शक्तिशाली थे एक लंबे समय तक कुषाणों ने उत्तर भारत पर शासन किया था और कुषाण किसके माध्यम से शासन करेंगे ऑब्वियसली सामंतों के माध्यम से शासन करेंगे गवर्नर जिनको आप राज्यपाल बोलेंगे इतने बड़े शासन को संभालने के लिए उनको सामंतों की आवश्यकता पड़ेगी ना तो धीरे धीरे आपके गुप्त सामंत मजबूत होते गए और कुषाण की शक्ति क्षीण होती गई एक समय ऐसा आया कि कुषाणों का पतन हुआ और गुप्त राजवंश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके गुप्त राजवंश की नींव डाल दी है ना तो कुषाणों के सामंत थे आपके गुप्त कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक और वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कहां से इन्होंने सीखा सैन्य तकनीक को कुषाणों से सीखा इन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया देखो जहां पर युद्ध करना था वहां युद्ध कर लिया जहां पर युद्ध नहीं करना चाहिए यानी कहने का मतलब जहां पर युद्ध उचित नहीं है वहां पर वैवाहिक संबंध बना लिए वैवाहिक संबंध के माध्यम से प्रेम के माध्यम से उस क्षेत्र को ले लिया जीत लिया या फिर दहेज आप बोल सकते हैं ठीक है तो सैन्य तकनीक और वैवाहिक संबंधों की जो नीति थी इन्होंने कुषाण से ली थी कहां से ली थी कुषाण से ली थी अब हम लोग बात करेंगे गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत यानी गुप्त राजवंश के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है तो गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के लिए तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं कौन कौन से स्रोत हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए सबसे पहले है आपका साहित्यिक स्रोत दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण तो साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से हम लोग गुप्त राजवंश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे ठीक है साहित्यिक स्रोत में जिसने भी रचना की है जिस भी लेखक का नाम मैं आपको बताऊंगा वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं देखिए साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे देवी चंद्र गुप्तम ये एक तरह से कृति है किसकी है विशाख दत्त की एक प्रकार का नाटक है इस देवी चंद्रगुप्तम नाटक के माध्यम से हमें गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में जानकारी मिलती है विशाख दत्त का एक नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम देवी चंद्रगुप्तम के माध्यम से देवी चंद्रगुप्तम नाटक के माध्यम से हमें रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास रचनाएं कौन कौन सी हैं? नाम ध्यान रखना नाम काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कालिदास की रचना है आपका ऋतु संहार कुमार संभव मेघदूत माल विकाग्न मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम इनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त राजवंश के कौन कौन से शासक थे कहा तक इनका राज्य की सीमा फैली हुई थी और इनके समय पर कौन कौन से कौन कौन सी घटनाएं घटी थी इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें कालिदास की रचनाओं के बारे में कालिदास की रचनाओं के माध्यम से तो ध्यान रखना ऋतु संहार कुमार संभव मेघदूत माल मित्रम और अभियान शाकुंतलप्त ये सारे के सारे जो आपकी रचनाएं हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए इसके अलावा शूद्रक की एक कृति है नृक्षकटिकम और वात्सायन की एक कृति है जिसका नाम है कामसूत्र इसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है गुप्त शासक के बारे में ध्यान रखना कालिदास की रचना ऋतु संहार कुमार संभव मेघदूत मालविकाग्न मित्रम अभियान शाकुंतलम इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में और इसी प्रकार से एक और है आपकी वृक्षकटिकम और कामसूत्र वृक्षकटिकम किसने लिखी है शूद्रक ने और कामसूत्र किसने लिखी है यह है वात्सायन ये सारी की सारी जो मैं कृतियां आपको बता रहा हूं ना इन कृतियों को याद रखना काफी जरूरी है ओके चलो ठीक है तो भैया इन सभी किताबों के माध्यम से इन सभी साहित्यों के माध्यम से हमें गुप्त राजवंश के, के बारे में जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में श्रीगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में सबके बारे में हमें जानकारी इन्हीं साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मिलती है तो साहित्यिक स्रोत आपने देख लिए जिसके माध्यम से हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है अब है, next आप देखिए नेक्स्ट आपका आता है पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में गुप्त राजवंश के बारे में अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जैसे कि अभिलेख सिक्के स्मारक इन सब के माध्यम से हमें गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ध्यान रखना ये पुरातात्विक स्रोत काफी महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें कि अभिलेख आते हैं बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत सारे अभिलेख लिखे होंगे और अभिलेख के माध्यम से हमें समझ में आता है कि भैया समुद्रगुप्त का किस प्रकार का इतिहास रहा होगा कौन कौन से विजय अभियान किए होंगे क्योंकि ये सारे के सारे ये लोग जो है ना अभिलेख में लिखवाया करते थे जो भी राजकीय आदेश हैं नियम कायदे कानून सभी लोग अभिलेख में लिखवाया करते थे और ये अभिलेख आपको जहाँ जहाँ तक राज्य फैला होगा वहाँ वहाँ तक ये अभिलेख आपको देखने को मिल जाएंगे तो अभिलेख के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इनका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था ठीक है तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख सिक्कों और स्मारकों के माध्यम से गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है एक बहुत ही फेमस है आपका अभिलेख ये है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख नाम सुना होगा आपने कई बार, नाम सुना होगा आपने प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्र गुप्त का एक अभिलेख है जिसे हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हमें समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है किस प्रकार का उसका शासन था किस प्रकार की नीति अपनाई थी किस किस पर उसने आक्रमण किया था कहाँ कहाँ पर उसने विजय हासिल की थी इन सब के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से देखने को मिलती है स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख भीतरी स्तंभ अभिलेख ये नाम ध्यान रखना भीतरी स्तंभ अभिलेख है स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ स्तंभ लेख से आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि ने हमारे भारत देश में आक्रमण किया था ये कौन थे ये विदेशी विदेशी आक्रमणकारी थे हमारे भारत देश में ठीक है इसके बाद एक अभिलेख और मिलता है आपका जूनागढ़ अभिलेख ये इसके बारे में भी आपने सुना होगा है ना तो जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है स्कंद गुप्त के बारे में ये भीतरी स्तंभ अभिलेख ये भी ध्यान रखना और जूनागढ़ अभिलेख इसके बारे में भी आपको ध्यान

बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो तो सुदर्शन झील का निर्माण पुनर्निर्माण ही बोल रहा मैं निर्माण किसने करवाया था अशोक के समय पर याद कीजिए ठीक तो है तो भैया स्कंद गुप्त के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है भित्री स्तंभ अभिलेख से और जूनागढ़ अभिलेख से और जूनागढ़ अभिलेख में यह जानकारी भी हमें प्राप्त होती है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था वो था आपका स्कंद गुप्त गुप्तकालीन राजाओं के सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं इसका मतलब क्या है विनिमय के रूप में उस समय पर सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे इस काल में सोने के सिक्के को दिनार चांदी के सिक्कों को रूपक अथवा रुपय और तांबे के सिक्कों को माशक के नाम से हम लोग जानते थे ध्यान रखना तो विनिमय में सिक्कों का चलन उस समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण था गुप्त काल में सोने के सिक्के भी चलते थे चांदी के सिक्के भी चलते थे और तांबे के सिक्के भी चलते थे और इतना तो आप समझदार होंगे कि सोने के सिक्के की कीमत काफी ज्यादा होगी विनिमय दर काफी ज्यादा होगी चांदी की उससे कम होगी और तांबे की उससे कम होगी ध्यान रखना इन सिक्कों को हम लोग क्या बोलते थे सोने के सिक्कों को हम लोग दिनार बोलते थे चांदी के सिक्कों को हम लोग रूपक बोलते थे और हम लोग तांबे के सिक्के को माशक बोलते थे बस ये चीज ध्यान रखना बाकी कुछ चीजें याद रहे या फिर नहीं रहे उससे कोई इतना फर्क फर्क नहीं पड़ता है ठीक है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त होता है राजस्थान के प्रांत कौन सा प्रांत है ये बयान बयान से प्राप्त होता है बयाना सॉरी बयाना बयाना बयान नहीं है बयाना है ठीक है बयाना से हमें स्वर्ण सिक्के का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त होता है अब जिसको भी मिला होगा भाई साहब उसकी तो चांदी चांदी होगी लेकिन जिसको भी मिला होगा उसने बता दिया होगा तो वो ए वाले ले गए होंगे ठीक है तो कभी भी खजाना मिले तो किसी को बताना मत वना पुरा पुरातात्विक वाले ले जाएंगे उठाकर उसको मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर यह कहां पर है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है बुमरा का शिव मंदिर यह कहां पर है आपका सतना में है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है एम के एग्जाम में कई बार पूछा गया बुमरा का शिव मंदिर यह तो मेंस में भी आया है दो हजार इक्कीस के एग्जाम में मेंस में भी आया ये ये कहां पर है सतना में है इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये कहां पर है पन्ना में है मध्य प्रदेश में भीतर गांव का मंदिर कहां पर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है झांसी उत्तर प्रदेश में तो इन मंदिरों के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि गुप्त काल के जो राजवंश गुप्त काल के जो राजा थे वो धार्मिक रूप से काफ़ी मानते थे भगवान को और इन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया और इनके जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो नागर शैली में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मंदिर आपको उत्तर भारत में ही देखने को मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर आपको मंदिरों की श्रृंखला देखने को मिल जाएगी ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण है आपसे डायरेक्टली पूछेगा तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर है भुबरा का शिव मंदिर कहां पर है नचना कुठार का मंदिर कहां पर है भीतर गांव का मंदिर कहां पर है ये सारे के सारे जो लोकेशन है ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अन्य स्टेट बी के एग्जाम में तो ध्यान रखना गुप्तकालीन स्मारकों जैसे कि मंदिर मूर्तियों चैत्य ग्रह आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी हमें मिलती है तो हम लोग बात कर रहे थे एक मिनट होल्ड करना ये क्यों बज रहा है यार बार बार तो साइलेंट कर देते हैं हम लोग ध्यान रखना हम लोग क्या बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपसे कुछ अभिलेख की बात की थी जिसमें कि पहला अभिलेख था आपका प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख इसके बाद भीतरी स्तंभ अभिलेख इसके बाद मैंने जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी आपको बताया उसके बाद कुछ सिक्कों के बारे में बताया सिक्कों के माध्यम से भी हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद मैंने कुछ मंदिरों के नाम बताया आपको जैसे कि तिकवा का विष्णु मंदिर भुबरा का शिव मंदिर नचना कोठार का पार्वती मंदिर भीतर गांव का मंदिर दशावतार मंदिर ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है तो पुरातात्विक स्रोत में मंदिर की बात कर ली हम लोगों ने चैत्य ग्रहों की बात कर ली सिक्कों की बात कर ली और अभिलेख की बात कर ली तो इन सभी के माध्यम से हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है ध्यान रखना हम लोगों ने दो स्रोत देख लिए गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के लिए एक है आपका साहित्यिक स्रोत जिसमें देवीचंद्र गुप्तम माग मालविकाग निमित्रम मेघदूत ऋतुसंहार कुमार संभव और वात्सायन सॉरी कामसूत्र और वृक्षकटिकम इनके बारे इनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में गुप्त राजवंश के बारे में और पुरातत्विक स्रोत में तो हम लोगों ने मंदिर सिक्के अभिलेख इनके बारे में बात करी ली है आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कौन से मंदिर कहाँ पर है कौन सा अभिलेख कहां पर मिलता है और साहित्यिक स्रोत में आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखी गई है चीजें है ना जैसे कि मालविकाग मित्रम किसने लिखी है कालिदास ने काफी महत्वपूर्ण है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं ठीक है इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में दो चीजें और हैं एक तो अजंता और बाकी गुफाएं अजंता और बाकी गुफाओं के माध्यम से भी हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है क्योंकि तो कुछ ना कुछ पेंटिंग इन लोगों ने भी बनाई होगी और ये हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे गुप्त राजवंश के राजा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोगों ने बात कर ली पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोगों ने बात कर ली अब देखते हैं हमारे भारत देश में कौन कौन से विदेशी यात्री आए और इन विदेशी यात्रियों ने हमारे भारत देश के बारे में क्या लिखा देखो सबसे पहले आपका आएगा फायन। फायन कब आएगा फायन आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आएगा और गुप्त वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी अपनी किताब में लिखेगा ठीक है और इसकी किताब के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है गुप्त राजवंश के बारे में फिर सेकंड कौन आएगा आपका सेकंड आएगा आपका वैनसांग और ये वैनसांग जो था ये कुमार गुप्त बुद्धगुप्त नरसिंह गुप्त बालादित्य इन सभी शासकों के संबंध में अपनी किताब किताब में लिखेगा यानी कहने का मतलब यह है कुमार कुमार कुमारगुप्त प्रथम बुद्धगुप्त नरसिंह गुप्त इन सबका ये समकालीन था और इसके समय पर किस प्रकार से शासन चल रहा था शासन के बारे में जानकारी आपको व्यनसांग की पुस्तक में देखने को मिल जाएगी ठीक है ना तो विदेशी विवरण में दो व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है एक है आपका फाययान और दूसरा है आपका व्यनसांग फायान और व्यंसांग के माध्यम से भी हमें गुप्त शासक के बारे में गुप्त प्रशासन के बारे में गुप्त समाज के बारे में गुप्त है ना सभी चीज के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी फायान और वैनसांग के माध्यम से तो हम लोगों ने क्या बात की गुप्त राजवंश के इतिहास के जानने के स्रोत <k�max> इतिहास को जानने के स्रोत में सबसे पहले हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत की बात की थी उसके बाद हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत की बात की उसके बाद हम लोगों ने विदेशी यात्रियों की बात की विदेशी यात्रियों में हम लोगों ने किसकी बात की थी फायन की और वैनसांग की ठीक है ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही हैं फिर आ रही है। हाँ? आ रही है या फिर नहीं आ रही हैं हाँ समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं समझ में आ रही हो तो बहुत ही बढ़िया है ठीक है और नहीं समझ में आ रही तो एक बार और आप देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप क्या है आपका मेरे ही नाम से टेलीग्राम ग्रुप है भूपेंद्र सिंह दिनकर अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से स्पेलिंग भी दे रखी होगी मेरे नाम की टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च करोगे मेरे नाम से तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लेना पी डी एफ वहां पर मिल जाएगी आपको साथ साथ में रिवीजन भी करते रहना क्योंकि तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग आठ चैप्टर कर चुके हैं काफी महत्वपूर्ण है अब बहुत ही कम चैप्टर बचे हुए हैं आपके एंशियंट हिस्ट्री में ठीक है और विश्वास मानिए जिसने कि जिसने पूरा देख लिया होगा ना तो लगता नहीं है मुझे कि भैया उसका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसके डेफिनेटली बस यही है कि पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा तभी काम बनेगा आगे ओके चलिए, तो ने क्या बात की थी हम लोगों ने कुछ पृष्ठभूमि की बात कर ली गुप्त साम्राज्य के गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में विदेशी यात्रियों के विवरण की बात कर ली अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रीगुप्त की ठीक है तो गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास ध्यान रखना गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में इसकी स्थापना के बारे में बहुत सारे इतिहासकार हैं उनके बीच में मतभेद है ठीक है दो मोहरें जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्त से अंकित है से प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी है ना बहुत सारे इतिहासकार हैं वो अलग अलग मानते हैं विवाद भी है कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी लेकिन आपको मैक्सिमम किताबों में एनसीईआरटी में आपको श्रीगुप्त ही देखने को मिल जाएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी ना कि कब इसकी स्थापना हुई थी किसने इसकी स्थापना की थी गुप्त राजवंश की तो आप ध्यान रखना श्रीगुप्त ही लगा के आना क्या लगा के आओगे श्रीगुप्त लगा के आना बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग जो है गुप्त राजवंश का जो स्थापना का श्रेय किसी और को देते हैं लेकिन यहाँ पर आपको श्रीगुप्त ही ध्यान रखना है अगर किसी किताब में आपको को कोई दूसरा नाम भी मिल जाए ना तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ये मत सोचना कि सर ने तो क्या बताया था और यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ठीक है तो मैक्सिमम किताबों में चाहे एन हो चाहे आपकी रामशरण शर्मा हो वहां पर आपको श्रीगुप्त ही देखने को मिलेगा ओके चलिए आगे देखिए आप श्रीगुप्त के बारे में हम स, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे देखो ये राजनीतिक इतिहास इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है श्रीगुप्त के बारे में बताऊंगा समुद्रगुप्त के बारे में बताऊंगा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जो मैं आपको प्रशासनिक शब्दावली पढ़ाऊंगा प्रशासनिक शब्दावली से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें होना चाहिए ना इन इन शासकों के बारे में तो हम लोग गुप्त गुप्तकाल का जो प्रमुख शासक है जिसने स्थापना की थी गुप्त वंश की उसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ये श्रीगुप्त से ठीक है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था आपका श्रीगुप्त था इसने कौन सी उपाधि ली थी इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी सॉरी महाराजा धीराज नहीं महाराज की उपाधि महाराज सामंतों की उपाधि होती है जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे मैंने क्या कहा था आपसे मैंने कहा था ये गुप्त वंश के जो शासक थे पहले किसके सामंत थे कुषाण के शासक शासक सामंत थे ये सामंत क्या होते हैं सामंत आप जानते हैं ना जिस प्रकार से केंद्र में एक राजा होता है और छोटे मोटे राज्यों को अपने राज्य राज्यपाल जो होता है या फिर छोटा आप इसको राजा भी बोल सकते हैं उसके अधीन छोड़ देता है और ये छोटे राज्यपाल जो होते हैं क्या करते हैं गवर्नर क्या होते हैं समय समय पर टैक्स देते रहते हैं केंद्र में और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ का राजस्व व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था सारा का सारा कौन देखता है यही आपके सामंत होते हैं है ना सामंती व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी गुप्त काल के समय से ही हुई थी और सामंतों को इतने अधिकार मिल चुके थे कि आप उसे राजा के नीचे एक छोटा राजा बोल सकते हो तभी तो थोड़ी सी भी गड़बड़ होती या फिर केंद्रीय शक्ति कमजोर होती तुरंत सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते और अलग से राजवंश की नींव डालते तो ये सामंत कौन थे ये सामंत आपके गुप्त थे और कुषाणों के ही सामन थे और जब कुषाणों की शक्ति छीण हुई तो इन्होंने अलग से अपने राजवंश की नींव डाल दी ठीक है न फिर अपने राज्य का विस्तार करते गए फिर आप देख सकते हैं कि पूरी पूरा उत्तर भारत गुप्तों के अधीन आ चुका था ठीक है इस सिंह के विवरण के अनुसार मगध का एक मंदिर का निर्माण करवाया था इसने श्रीगुप्त ने मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम 24 ग्राम का मतलब 24 गांव 24 गांव इसने दान में दिए थे महत्वपूर्ण नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं चाहूँ तो मैं इसके बारे में नहीं भी पढ़ाऊं तो भी काम चल जाएगा लेकिन हाँ हम लोग डायरेक्ट प्रशासनिक शब्दावली भी पढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी बैठ नहीं पाएगी है ना जहाँ याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि भैया इसको याद करना है आपको श्रीगुप्त के बाद के बाद उसका बेट, बेटा है उसका जो पुत्र है घटोत्कक्ष गुप्त वंश का शासक बनता है लेकिन घटोत्कक्ष इतना शासन करता नहीं है लंबे समय तक इसके बाद आपका बंदा आता है ये है चंद्रगुप्त प्रथम है ना इसके समय पर काफ़ी विकास होता है चंद्रगुप्त प्रथम के समय पर ठीक है अभी फिलहाल फिर भी सोचिए फिर भी आप देखिए स्कंद गुप्त के सुपिया के लेख मैं गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्रारंभ मानी जाती है इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ था कुछ इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि श्रीगुप्त उस समय पर सामंत था और स्वतंत्र स्वतंत्र गुप्त वंश की नींव नहीं डाली थी उसने कई किताबों में लिखा हुआ है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि श्रीगुप्त अगर आए ना गुप्त वंश के संस्थापक में तो श्रीगुप्त ही लगा के आना कुछ इतिहासकार घटोत् को मानते हैं कि भैया के समय पर ही नींव डली थी गुप्त वंश की है ना लेकिन मैक्सिमम किताबों में क्या लिखा हुआ है श्रीगुप्त ही लिखा हुआ है अगर आपसे पूछे तो श्रीगुप्त ही लगा के आना है ना अगर श्रीगुप्त ऑप्शन नहीं है घटोत्कक्ष है तो घटोत्कक्ष लगा के आ जाना लेकिन जहां पर विवाद होता है वहां यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है ओके ठीक है आगे देखिए आप अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त, गुप्त वंश में सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त प्रथम और यहीं से गुप्तों की प्रतिष्ठा बढ़ना स्टार्ट होगी है ना तो घटोत कक्ष के बाद लगभग 319 ईसवी ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 319 में गुप्त वंश का राजा कौन बनता है यह है चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक और आएगा चंद्रगुप्त उसे हम लोग द्वितीय के नाम से जानेंगे तो घटोत्कक्ष के बाद बनता है राजा चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश जो गुप्त वंश काल में एक नया संवत भी चलवाता है आपने सुना होगा एक संवत का नाम गुप्त संवत तो गुप्त वंश गुप्त संवत का न, जो सॉरी गुप्त संवत जो चलता है ना वो चंद्रगुप्त प्रथम ही चलवाता है जब ये शासन की बागडोर संभालता है तीन ईस्वी के समय पर ही तभी ये तभी ये, तभी ये एक संवत की स्थापना करता है जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं ठीक है राज्य अभिषेक की तिथि कितनी है इसकी तीन उन्नीस, और तीन उन्नीस को ही ये गुप्त संवत का आरंभ करवाता है इसी को हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं ध्यान रखना कभी कभी ये जो संबंध वगैरह है आपसे पूछ लेता है ठीक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताओ कि सख संवत कब चला था सख संबत बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जी हाँ सही है अठहत्तर ईस्वी ठीक है चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक कर दिया यानी कि देख लीजिए पहले पहले इसके राज्य की सीमा जो थी वो मध्य भारत तक थी लेकिन धीरे धीरे अपने राज्य की सीमा ये उत्तर भारत पश्चिम भारत और पूर्वी पूर्वी भारत में विस्तार करता है चंद्रगुप्त प्रथम के समय पर इलाहाबाद तक इसके राज्य की सीमा थी है ना स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इसका राज्य मगध यानी कि बिहार तक सीमित था लेकिन आप देखिए किस प्रकार से यूपी तक पहुंच जाता है इसके बाद बहुत सारे राजा आएंगे जैसे कि समुद्रगुप्त तो महत्वपूर्ण है ही है समुद्रगुप्त के समय पर काफी विस्तार होता है ठीक है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमारा देवी के साथ विवाह किया और आप सभी समझ सकते हैं जब शादी हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगी आसपास के क्षेत्रों से युद्ध युद्धवुद्ध भी समाप्त हो जाएगा है ना युद्ध की संभावना होगी वो भी समाप्त हो जाएगी ठीक है तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया था लिच्छवियों के साथ इनके जो हैं संबंध काफ़ी अच्छे बन गए थे और आगे आने वाले समय में समुद्रगुप्त भी इसी नीति को कंटिन्यू करेगा वैवाहिक संबंध बनाकर राज्य का विस्तार करेगा जहाँ युद्ध करना है वहाँ युद्ध करेगा जहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाना है वहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप देखिए कि इसकी जो सीमा है वो कहां कहां तक फैल जाती है ना देखिए स्वर्ण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार लक्ष्मी प्रकार राजा राजा रानी प्रकार विवाह प्रकार आदि है है ना जिससे हमें मालूम चलता है कि भैया इसने लक्ष्मी की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दूसरा प्रमाण हमें क्या मिलता है जिसके माध्यम हम से हमें समझ में आता है कि इसने लक्ष्मी राजकुमारी के साथ संबंध स्थापित किए थे यह है आपका प्रयाग अभिलेख यह है समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख उसमें भी उसको किसको समुद्रगुप्त को लक्ष्मी दोहित्र कहा है लक्ष्मी दोहित्र का मतलब क्या है यानी कि लक्ष्मी की रानी का पुत्र ठीक है समुद्रगुप्त इसके दोनों साक्ष्यों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की थी किससे लक्ष्मी राजवंश की रानी जिसका नाम था आपका राजकुमार राजकुमारी कुमरा देवी राजकुमारी कुमरा देवी के साथ इसने विवाह किया स्वर्ण सिक्के भी बहुत सारे मिलते हैं और अभिलेख में भी स्पष्ट रूप से समुद्रगुप्त को लक्ष्मी दोहित्र के नाम से पुकारा गया है ठीक है तो ये सभी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है ना बस आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत लक्ष्मी राजकुमारी कुमरा देवी के साथ विवाह विवाह कर चंद्रगुप्त ने वैशाली राज्य प्राप्त किया उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और कुमरा देवी का नाम खुदवाया इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लक्ष्वी उत्कीर्णित है ठीक है ना तो इस प्रकार से आप देखिए चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से राज्य की सीमा का विस्तार किया वैवाहिक संबंधों के माध्यम से यार जब प्यार से काम बन रहा है तो युद्ध क्यों करना है फालतू तो में आप मुझे बताओ और कभी कभी युद्ध से परिणाम नहीं निकलता है अगर आप प्यार से कोई चीज को करोगे ना तो आराम से चीजें पॉसिबल हो सकती हैं तो जहां प्यार से काम बन रहा है वहां प्यार से काम कर लो और जहां पर युद्ध करना पड़े तो वहां से वहां पर युद्ध कर लो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास के इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन तीन से बीस में किया गया है ठीक है तो आप ध्यान रखना 319 सौ ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना हुई थी और गुप्त संवत की स्थापना गुप्त संवत को चलाने का श्रेय किसको जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्य अभिषेक करवाया था तभी से तभी से इस संवत का प्रचलन स्टार्ट हो गया अगर हम लोग बात करते हैं शक संवत की जैसा कि आपने बताया था शक संवत की शुरुआत अठहत्तर ईस्वी में हुई थी तो शक संवत और गुप्त संवत इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में अंतर है आपका कितना 241 वर्षों का अंतर है अठहत्तर ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी और 319 सौ ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी गुप्त संवत की आप घटा लोगे तो 241 वर्ष आएगा तो शक संवत में और गुप्त संवत में कितने वर्ष का अंतर है वो है कितने आ, साल का अंतर है वो है आपका 241 कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है ठीक है और आया हुआ क्वेश्चन है ये गुप्त वंश में पहला एक शासक था चंद्रगुप्त प्रथम इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे किसके सिक्के चांदी के सिक्के चलवाए थे ठीक है इसके अलावा समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने सन्यास ग्रहण कर लिया ठीक है ना तो भैया जब ये बूढ़ा हुआ समझ में आया कि भैया मैं अब राजवंश को आगे नहीं चला सकता हूं नए खून की जरूरत है और समुद्रगुप्त वैसे भी प्रतापी शासक था उसको बड़ा विश्वास था अपने पुत्र पर समुद्रगुप्त को कारोबार संभालने को दिया बोला कि भैया अब तू संभाल सारी की सारी चीजें और हम लोग जो है अब सन्यास धारण कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास धारण कर लिया और अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण शासक है बात की जाती है समुद्रगुप्त की तो सबसे महत्वपूर्ण शासक है गुप्त वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक है सबसे ज्यादा राज्य का विस्तार कब हुआ था समुद्रगुप्त के समय पर गुप्त वंश की प्रतिष्ठा किसके समय पर हुई थी सबसे ज्यादा वो है आपका समुद्रगुप्त और लगभग 350 से तीन सौ ईस्वी तक इसने शासन किया था ये मैंने आपको बता दिया है वैसे गुप्त के संवत के बारे में और संवत के बारे में आप एक बार और पढ़ लेना दो वर्ष का डिफरेंस होता है गुप्त वंश गुप्त संवत की जो स्थापना है वो कब हुई थी शुरुआत कब हुई थी तीन में शक संवत की शुरुआत कब हुई थी अठहत्तर ईस्वी में बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना काम बन जाएगा आपको है ना ओके ठीक है अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आप देखिए समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने 350 से लेकर तीन सौ ईस्वी तक शासन किया इससे पहले कौन था चंद्रगुप्त प्रथम तीन से लगभग 350 सौ ईस्वी तक इसने शासन किया था उसके बाद ग्रहण कर लिया चंद्रगुप्त प्रथम ने और समुद्रगुप्त को कारभार सौंप दिया अब देखना क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो समुद्रगुप्त से पूछे जाएंगे ठीक है समुद्रगुप्त के बारे में कहां से हमें जानकारी मिलती है कौन कौन से विजय अभियान में इसने भाग लिया था समुद्रगुप्त की कौन कौन सी मुद्राएं थी जो कि उसके राज्य का प्रमुख हिस्सा थी कौन कौन से सैन्य अभियान इसने चलाए थे समुद्रगुप्त की नीतियां ये काफी महत्वपूर्ण है ये काफी महत्वपूर्ण है ठीक है समुद्र समुद्रगुप्त की जो नीतियां हैं विजय नीतियां उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे समुद्रगुप्त को यहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना कहां से होगी समुद्रगुप्त से होगी ना कि चंद्रगुप्त प्रथम से होगी ना ही आपका विक्रमादित्य से होगी ना ही स्कंदगुप्त से होगी मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे गुप्त वन से वो समुद्रगुप्त से ही पूछे जाएंगे इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ समुद्रगुप्त हुआ जो 350 सौ ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा उसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 बारह शासकों को पराजित किया इन्हीं विजय के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं आप देखिए जितने भी आपके उत्तर भारत के राजा थे इन सभी राजाओं को हरा दिया दक्षिण भारत के राजाओं को भी इसने हरा दिया हराने के बाद अपनी प्रतिष्ठा का जो परचम है वो लहरा दिया आप समझ सकते हैं इसकी जो प्रतिष्ठा है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक काफी फैली हुई थी इससे पंगा कोई लेना चाहता नहीं था एक बार की आपको बात बत, बात बताता हूं मैं आपको दक्षिण भारत में क्या हुआ दक्षिण भारत में सभी लोगों ने एक संघ बना लिया कि चलो ठीक है हम लोग सभी मिलकर जो है समुद्रगुप्त का सामना करेंगे क्योंकि अकेला अकेला कोई लड़ेगा तो समुद्रगुप्त उसको आराम से हरा देगा समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक भी है प्लस इसके पास सेना भी बहुत ज्यादा है अगर हम लोग सब मिलकर आक्रमण करेंगे तो समुद्रगुप्त को हरा देंगे लेकिन बारह राजाओं ने मिलकर भी समुद्रगुप्त को नहीं हरा पाए ठीक है इतना शक्तिशाली राजा था ये समुद्रगुप्त ठीक है इसलिए विंसेंट स्मिथ बोलता है कि भैया समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है ये विंसेंट स्मिथ को पता नहीं है कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा लेकिन नेपोलियन तो दो दो युद्ध हारा था अगर नेपोलियन को कहा जाए यूरोप का समुद्रगुप्त तो कहना उचित है लेकिन विंसेंट स्मिथ क्या बोलता है विंसेंट स्मिथ भारत का नेपोलियन बोलता है किसको समुद्रगुप्त को समझ में आया अब यूरोपियन है इतिहासकार कौन है यूरोपियन है तो भैया अपने जो महाराजा राजा हैं उसी को श्रेष्ठ बताएंगे ठीक है लेकिन इसको पता नहीं है कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था नेपोलियन दो युद्ध हारा था तो समझिए 350 सौ ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने उत्तर भारत के राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के राजाओं को हराया इसकी प्रतिष्ठा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैली हुई थी और विंसेंट स्मिथ इसको भारत का नेपोलियन भी कहता है हरिषण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख ठीक है इसके इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस अभिलेख के माध्यम से यह कईयों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था तो वो है आपका हरिष्ण किसने किया था हरिष्ण देखिए समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कोई स्रोत तो होना चाहिए ना तो हमें जो है कुछ अभिलेख मिलते हैं एक तो हरिषण के द्वारा रचित अभिलेख है जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं ये एक प्रकार का स्तंभ अभिलेख है दूसरा हमें मिलता है एरण स्तंभ लेख उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है ये कहाँ पर है ये है आपका सागर में इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ लें जिसे हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिषैण प्रयाग प्रशस्ति के प्रयाग प्रशस्ति लेख के सातवें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है प्रयाग प्रशस्ति के लेख के सातवें श्लोक में कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है कौन से श्लोक में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है तो वो है आपका सातवां श्लोक प्रयाग प्रशस्ति का इसके बारे में इसके माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख मिलता है ठीक है तो कहने का मतलब चौथा श्लोक है उसमें बताया गया है किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बताया था बनाया था और सातवें श्लोक में स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलती है कि तो किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीत लिया था समुद्र गुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया ठीक है विजय की आक्रमण नीति को अपनाया कहने का मतलब युद्ध के माध्यम से हम लोग अपनी शक्ति का युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति को बताएंगे सभी के सामने ठीक है तो स्टार्टिंग इस में इसने बहुत सारे युद्ध किए जहाँ जहाँ युद्ध की संभावना है वहाँ वहां युद्ध किया और जिसे प्यार से जीतना था प्यार से जीत लिया किसी को संधि किसी के साथ संधि कर ली और किसी के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए है।, है ना तो समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का जो विस्तार किया था वो विजय अभियान के माध्यम से किया था ठीक है ना प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला जिस प्रकार से सिकंदर था ना सिकंदर ने सोचा था कि संपूर्ण पृथ्वी को मैं जीत लूंगा लेकिन नहीं जीत पाया सिकंदर इसी प्रकार से समुद्रगुप्त को भी प्रयाग प्रशस्ति में क्या बताया गया है महान विजेता एक भी युद्ध नहीं हारा था इसे महान विजेता विजेता भी हम लोग कह सकते हैं एक भी युद्ध नहीं हारा था सभी युद्धों में विजय हुआ था चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो यहां तक कि सभी राजाओं ने मिलकर एक संघ बना लिया था बारह संघ को भी इसने हरा दिया इतना शक्तिशाली राजा था ये काफी अच्छा नेतृत्व करता था काफी अच्छा प्रशासक था कला एवं कला एवं संस्कृति क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं तो काफी अच्छा काम किया है इसने ये खुद एक वीणा बजाता था है ना तो हर एक क्षेत्र में टैलेंटेड इंसान था ये आगे आप देखिए अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था कौन सा प्रयाग प्रशस्ति जिस जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है तो ये प्रयाग प्रशस्ति है ना प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप ध्यान रखना प्रयाग प्रशस्ति के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारे राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है पहले ये कहां पर था कोशाम्बी में था अशोक के समय पर और उसके बाद इलाहाबाद में स्थापित करवाया अकबर ने और अकबर ने जब इलाहाबाद में स्थापित करवाया तब इस स्तंभ में जहांगीर और बीरवल के बारे में भी जानकारी उत्कीर्णित करवाई गई ठीक है तो आप ध्यान रखना अशोक के समय पर प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण हुआ था मूलतः कोशांबी में था इसके बाद समुद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है हरिषण के द्वारा लिखा गया था समुद्रगुप्त के बारे में चौथे श्लोक में और सातवें श्लोक में स्पष्ट रूप से बता रखा है किसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में इसके बाद अकबर जो है कोशांबी से उठाकर कहां लेकर आ गया इलाहाबाद में लेकर आ गया और जहां पर बीरबल और जहांगीर के बारे में भी कुछ बातें उत्कीर्णित करवाई गई ठीक है ओके चलिए आगे आप देखिए आगे हम लोग बात करते हैं एरण स्तंभ लेख गया ताम्रफलक और नालंदा ताम्रफलक इसके माध्यम से भी हमें गुप्त वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है देखते हैं क्या जानकारी मिलती है तो एरण अभिलेख आप जानते हैं कहां पर है यह है आपके सागर जिले में मध्य प्रदेश के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कहां से प्राप्त ये कहां पर है सागर जिला सॉरी एरन अभिलेख कहां से एरन अभिलेख है वो कहां पर है वो है आपका सागर जिला सागर कहां पर है मध्य प्रदेश में ठीक है ना ये आप ध्यान रखना और एरन का जो अभिलेख है जो कि सागर जिले में है जो कि मध्य प्रदेश में है उस अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस अभिलेख में क्या लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा है ठीक है स्पष्ट रूप से इस अभिलेख में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त बहुत बड़ा दानी है इसने ब्राह्मणों को बहुत भूमि दान दी गांव की गांव दान दिए कि भैया अपना खर्चा पानी चलाओ और आसपास के जितने भी आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाओ इसी प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं को भी बहुत सारी भूमि जो है दान में दी इसके अलावा जैन मुनियों को भी इसने बहुत बड़ी बहुत ज्यादा जो है भूमि दान में दी ओके ठीक है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में ठीक है तो ये कुछ स्रोतें हो गई अब इसके बाद हम लोग कुछ मुद्राओं के बारे में बात करेंगे समुद्रगुप्त की कौन कौन सी प्रकार की मुद्राएं हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रौ प्रकार की मुद्रा दूसरी मुद्रा है आपकी धनुधारी प्रकार की मुद्रा परशु प्रकार की मुद्रा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा व्याग हरण प्रकार की मुद्रा वीणा वादन प्रकार की मुद्रा देखो वीणा वादन प्रकार की जो मुद्रा है उसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि वीणा बजाना इसको आता था वीणा बजाना आते नहीं था ये निपुण भी था वीणा बजाने में है ना अब कुछ मुद्राओं के बारे में समझने से पहले एक नोट है उसको आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेघ यज्ञ कर, करवाने वाला कहा है हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेघ का यज्ञ का वर्णन नहीं है ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त उसका एक अभिलेख है पूना अभिलेख उसमें कहा गया कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ किए थे अश्वमेघ यज्ञ का मतलब आप जानते हैं ना इसमें घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वो भूमि उस राजा की हो जाती है और जो भी उस घोड़े को चुनौती देगा उससे उससे युद्ध करना पड़ेगा तो इसने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ करवाए और अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से इसने संपूर्ण गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया ठीक है लेकिन जो प्रयाग प्रशस्ति है जो मूलतः कोशांबी में था उसमें अश्वमेघ यज्ञ का कहीं पर भी वर्णन नहीं है ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं है अब समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में हम लोग बात करते हैं गरुण प्रकार की मुद्रा धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा परशु प्रकार की मुद्रा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा और व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा और वीणा वादन प्रकार की मुद्रा क्या मतलब है इनका इन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कुल छह प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये छह प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त के जीवन और कार्यों का सुंदर कार्यों पर जो है प्रकाश डालती हैं किस प्रकार का कार्य कार किया था किस प्रकार की जीवन शैली थी समुद्रगुप्त की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गरुड़ प्रकार की मुद्रा अब गरुड़ प्रकार की मुद्रा क्या बताती है इसके माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती हैं कि भैया समुद्रगुप्त ने जो था राज नागवंशी राजाओं पर विजय हासिल की थी उनके उनके प्रतापी शासक को हरा दिया था नागवंशी राजाओं का नागवंशी राजाओं का शासन कहाँ पर था ये जो उत्तर भारत का जी है ना आपका ग्वालियर ग्वालियर मथुरा आगरा ये वाला क्षेत्र था वहाँ नागवंशी राजाओं का शासन था और वहीं पर जो है समुद्रगुप्त ने इसको हरा दिया था और हराने के बाद इनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था ठीक है ना तो ये गरुड़ प्रकार की जो मुद्रा है इसमें नागवंशी राजाओं पर विजय के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया बहुत सारे युद्ध किए इसने और सभी युद्धों में ये विजयी रहा ठीक है मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासन सिंहासनासीन देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द भी अंकित है इनके माध्यम से आप समझ जाइए किस प्रकार से समुद्रगुप्त की तारीफ की है सिंहासनासीन देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द का अंकन भी है तो कहने का मतलब है करोड़ प्रकार की मुद्रा समुद्र गुप्त की विजय अभियान के बारे में जानकारी देती है किस प्रकार से नागवंशी राजाओं पर विजय हासिल की थी बहुत सारे युद्धों को हमें मालूम चलता है नेक्स्ट मुद्रा है आपकी धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा अब देखते हैं यह क्या बताती है इसके पृष्ठभाग पर सिंहा सिंह बहानी देवी के साथ उसकी उपाधि अपिअप्रथिरत अंकित है मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष मार लिए खड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है ऑब्वियसली ये काफी अच्छा धनुधारी था समुद्रगुप्त। ठीक है इसके बाद एक मुद्रा और है यह है परशु प्रकार की मुद्रा इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं तथा तो उसको उपाधि कृतांत यानी कि यम है ना परशुअंकित है समझ जाइए तो कहने का मतलब यह है कि ये एक तरह से काफी आक्रामक था ये है ना जिस प्रकार से परशुराम थे ना उसी प्रकार से इनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है समुद्रगुप्त को इसके बाद है एक अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण कराते हैं यानी कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ किए थे अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप जानते हैं ना घोड़े को छोड़ दिया जाता है जो भी घोड़े को रोकेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ इसने बहुत सारे जो हैं अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बने हुए चित्र तथा मुद्रा लेख दिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है ये सभी उत्कीर्णित है ठीक है कुल मिलाकर जो है यहां पर बताया गया है किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार किया था और किस प्रकार से यह राजा है उसका कर्तव्य है कि अपने शासन का विस्तार करे ठीक है इसके बाद एक है व्याघ्र हनन प्रकार व्याघ्र हनन प्रकार के माध्यम से आप समझ गए मतलब बाघ बाघ को मारने वाला, है ना? का शिकार करने वाला छोटी मोटी बात थोड़ी है बाघ का शिकार करना ठीक है तो इसमें जो है इस प्रकार की जो मुद्रा है उसमें समुद्रगुप्त को व्याघ का आखेट यानी कि व्याघ का यानी कि जो बाघ है उसका शिकार करते हुए दिखाया गया है पृष्ठ भाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राज राजा समुद्रगुप्त यहाँ पर उत्कीर्ण है ठीक है ना ये कुछ आपकी मुद्राएं हैं इन मुद्राओं के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की मुद्रा है ये है आपकी वीणा वादन प्रकार ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है ये है आपकी वीणा वादन प्रकार की मुद्रा इसमें क्या बताया गया है इसमें समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी संगीत प्रेमी बताया गया है क्योंकि इसमें खुद समुद्रगुप्त जो है वीना बजा, बजाते हुए दिखाया गया है इसमें ठीक है यह काफी महत्वपूर्ण है इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना आता था और वह वीणा प्रेमी भी था काफी यह वीणा वादन प्रकार की जो मुद्रा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए समुद्रगुप्त से संबंधित है ओके ठीक है तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा परशु प्रकार की मुद्रा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा और वीणा वादन प्रकार की मुद्रा इनके माध्यम से समझ में आता है समुद्रगुप्त के बारे में किस प्रकार का प्रशासन था किस प्रकार से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था कितने इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे किसका ये शिकार करता था कला प्रेमी था या फिर नहीं था इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है इन सिक्कों के माध्यम से तो हम लोगों ने समुद्र की मुद्राओं के बारे में भी समझने का प्रयास कर लिया है इसके बाद मैं सैन्य अभियान के बारे में आपको बताऊंगा सैन्य अभियान में कुछ नाम आएंगे है ना नाम आपको याद नहीं रखने हैं अटपटे नाम होंगे वो लेकिन आपको नाम नहीं ध्यान रखने बस आपको एक आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत है ना जहां पर मैं बोलूँगी भैया इसको रटना है तो उसको रट लेना आप ठीक है सैन्य अभियान की हम लोग बात करते हैं तो समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और एक कुशल योद्धा था राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई और अपने विजय अभियान के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया समुद्रगुप्त को हम लोग एक महान सेनापति की संज्ञा क्यों दे सकते हैं एक कुशल योद्धा की संज्ञा हम लोग क्यों दे सकते हैं क्यों क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत ने भारत में इसने अपनी विजय पताका को फहराया था संपूर्ण उत्तर भारत में संपूर्ण उत्तर भारत में इसने अपनी विजय पताका को फहराया था कोई भी राजा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे उसकी सेना कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता हर किसी राजा से इसने विजय हासिल की थी ठीक है इसीलिए संपूर्ण उत्तर भारत में जीतने से इसकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी और संपूर्ण उत्तर भारत पर इसने जो है अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था इसी इसी आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और एक कुशल योद्धा था ठीक है आर्यव्रत का प्रथम और द्वितीय विजय अभियान दक्षिण की विजय आठविक राज्यों की विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे ध्यान रखना आर्यव्रत का प्रथम द्वितीय विजय अभियान दक्षिणा दक्षिणापथ की विजय आठविक राज्य राज्यों की विजय इसके प्रमुख सैन्य अभियान थे इस प्रकार से इन विजय अभियान के बाद गुप्त राजवंश की जो सीमा है वो उत्तर से लेकर पश्चिम पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैल चुकी थी ठीक है आर्यवर्त को जीत लिया जो कि उत्तर भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसमें कि बिहार उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये सारे के सारे क्षेत्र शामिल थे और आप जानते हैं दक्षिणापथ जिसमें कि ये जो नीचे वाला साउथ वाला दक्कन वाला एरिया है वो शामिल था आर्टविक राज्य की विजय काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये आर्टविक राज्य जो थे वो दक्षिण भारत के क्षेत्र थे इन सभी क्षेत्रों पर जो है जीत हासिल कर ली और अपने राज्य का हिस्सा बना लिया आप ध्यान रखना इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है जिसके बारे में काफी चर्चा होती है इसकी अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में तीन शक्तियों को पराजित किया उत्तर भारत में तीन शक्तियां कौन कौन सी थी इसको आप समझने का प्रयास कीजिए ठीक है ना इस अभियान के दौरान उसने अच्युत्य नागसेन और कोत कोत कुलज शासकों को हराया देखिए मेरी बात सुनिए ये नाम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें ठीक है इसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है अचुत्य नागसेन और कोतु कुल कुलज ऐसे बहुत सारे आपके राजा आएंगे जिनका नाम बड़ा अटपटा होगा आप याद करने की कोशिश भी करोगे तो भी आप याद नहीं कर पाओगे और याद करना भी नहीं है आपको बस आपको एक आइडिया होना चाहिए तो भैया इसने जो है क्या किया उत्तर भारत में तीन शक्तियाँ थीं इन सबको हरा दिया अच्युत्य नागसेन और ठीक है और दक्षिण पथ की हम लोग बात करते हैं तो बारह राज्य थे जो काफी महत्वपूर्ण थे बारह राज्यों को इसने हरा दिया राज्यों को छोटी मोटी बात नहीं है छोटी मोटी बात नहीं है आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको कौशल महाकांतर कोराल पिस्टपुर कोटूर एरंडल कांची अमुक अवमुक्त सॉरी वेंगी पालक और देवराष्ट्र और कुस्तलपुर ठीक है यहां पर आप ध्यान रखना ये बारह राज्य थे जिनको हरा दिया किसने समुद्रगुप्त ने इसको दक्षिणापत के राज्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपके सैन्य अभियान में इसने क्या किया इसने तीन प्रकार की नीतियां अपनाई दक्षिण विजय के लिए प्रथम आपकी ग्रहण नीति है द्वितीय आपकी मोक्ष नीति है और तीसरी है आपकी अनुग्रह नीति अब ग्रहण नीति क्या है मोक्ष नीति क्या है अनुग्रह नीति क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए ग्रहण का मतलब है शत्रु पर अधिकार शत्रु पर अधिकार यानी कि कुल मिलाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और शत्रु को जेल में डाल दिया द्वितीय है मोक्ष मोक्ष का मतलब यह है कि भैया उसे हराया हराने के बाद उसको मुक्त कर दिया मुक्त करने के बाद उसको उसका राज्य दे दिया वापस कि भाई जा ऐश कर अपने राज्य में राजा बन के घूम तू बढ़िया आराम से लेकिन एक समय सीमा के अंतर्गत आपको टैक्स मुझे देना पड़ेगा ठीक है और तीसरा है आपका अनुग्रह शत्रु को उसका राज्य लौटाना है ना ओके देखिए प्रथम द्वितीय और तृतीय और को मैंने मिक्स कर दिया इसमें देखो मोक्ष का मतलब यह है शत्रु को छोड़ देना शत्रु को छोड़कर उसका राज्य उसको वापस नहीं किया जाएगा मोक्ष में बस शत्रु को छोड़ दिया जाएगा ठीक है अनुग्रह में जो है शत्रु को हराकर उसका राज्य लौटा दिया जाएगा कि भैया आप जो है टैक्स वैक्स देते रहना क्यों क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण भारत के राज्य जो हैं इनको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपने अधीन नहीं कर सकते जो भी राजा दक्षिण भारत के राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन में लिया है वो राजा बर्बाद हो गया है अच्छा उसके बारे में आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक औरंगजेब के बारे में भी आप जानते हैं ठीक है ना क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों की संस्कृति दोनों की संस्कृति दोनों का क्लाइमेट दोनों की जो व्यवस्थाएं वो सभी जमीन आसमान का अंतर है दोनों को संभालने के लिए बड़ी मुश्किल वाली चीज़ें हो जाती हैं है ना उत्तर भारत से आप दक्षिण भारत के राज्यों को नहीं संभाल सकते तो इसने क्या किया इस बात को जानता था कि दक्षिण भारत को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम लोग लेंगे अपने शासन में शामिल करेंगे तो बार बार यहाँ पर जो है लफड़ेबाजी होती रहेगी ये छोटे मोटे राजाएँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते रहेंगे मुझे फिर वापस जो है वहाँ पर उनके विद्रोह को दबाने जाना पड़ेगा कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों से है ना अशांति फैली रहेगी शांति नहीं आएगी और शासन में स्थायित्वता जो है वो भंग भी हो जाएगी इसलिए क्या करते हैं हम लोग इनको हरा देते हैं जैसे कि अपना दबदबा बना रहेगा हराने के बाद इनके राज्य को वापस लौटा देते हैं और राज्य को लौटाने के बाद इनसे बोलते हैं कि भैया समय समय पर जो है हमें उपहार भेंट और कर आप देते रहना ठीक है तो इस प्रकार से समुद्र ने दक्षिण विजय के लिए तीन प्रकार की नीति अपनाई प्रथम नीति है ग्रहण यानी कि शत्रु पर अधिकार डायरेक्ट जो है उसको बंदी बनाकर उसका क्षेत्र ग्रहण कर लिया कुछ नीतियां थी जिसमें कि शत्रु को मुक्त कर दिया और तीसरी नीति थी आपकी शत्रु को उसका राज्य लौटा दिया ठीक है ओके तो अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत पर भी इसका अधिकार हो जाता है आगे आप देखिए दक्षिणा पथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा जिसे हम लोग आर्यवत का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं ठीक है ना इसने दक्षिणा पथ यानी कि दक्षिण भारत को जीतने के पश्चात इसने वापस किसको किसको जीता इसने आर्यव्रत को क्यों क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसने उत्तर भारत के क्षेत्र को जीता था जिसे आर्यवर्त का प्रथम युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं उस युद्ध में इसकी विजय विजय हुई थी और फिर एक समय के बाद जब ये दक्षिण भारत में विजयी था तो आर्यवर्त के जितने भी आपके राज्य हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वापस दबाने के लिए इसने युद्ध किया समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत पर इसी को हम लोग आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध भी कहते हैं आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने नौ राज्यों की विजय की थी ठीक है ना ध्यान रखना स्टार्टिंग में ये नौ राज्य पर विजय हासिल कर चुका था लेकिन जब दक्षिण अभियान के लिए जब यह दक्षिण भारत में गया था तब उत्तर भारत के राजाओं में विद्रोह पैदा हो गया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का इन्होंने निश्चय किया दक्षिण भारत को जीतने के पश्चात ये वापस जो है उत्तर भारत आया उत्तर भारत में फिर से इसने युद्ध किया इसी को हम लोग आर्यव्रत का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं ठीक है ना आर्यव्रत के द्वितीय युद्ध में राजा कौन कौन थे रुद्रदेव मत्ल नागदत्त चंद्रवर्मा गणपति नाग नागसेन और अच्युत्य नंदी बलवर्मा ये नाम ध्यान मत रखना बस आपको थोड़ा बहुत जो है एक आइडिया होना चाहिए तो आप समझिए दक्षिणा पथ के अभियान के बाद किस प्रकार से उत्तर भारत पर फिर से इसने आक्रमण किया और जीत लिया और कौन कौन से राजा इसमें शामिल थे जिसको हराया था रुद्रदेव मत्तिल नागदत्त चंद्रवर्मा गणपति नाग चंद्र नागसेन नाग और अच्युत्य नंदी बलवर्मा ठीक है आगे आप देखिए आगे आप देखिए इसमें समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया ये आठविक राज्य जो थे ना ये थोड़े से वैसे थे एक तरह से खाना बदोस टाइप के आप बोल सकते हैं जंगली टाइप के आप बोल सकते हैं है ना इनको डायरेक्ट हराया और हराने के बाद जो भी इनके सैनिक थे जो भी इनके राजा थे उन सबको सेवक बनाया यानी कि दास बनाया सेवा संबंधी काम इनको दे दिए थे ट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे यानी कि जो वन वाला क्षेत्र है ना जहां जहां पर जंगल है जंगल जहां जहां पर हैं, उनके जो लोकल राजा हैं उन सभी लोकल राजाओं को हराया समुद्रगुप्त ने हराने के बाद उनको दास बनाया सेवक बनाया ऐसा कौन बोलता है ऐसा बोलता है आपका ये पलीट एक इतिहासकार है वो बोलता है सीमावर्ती राज्यों सीमावर्ती राज्य भी समुद्रुप्त को सभी प्रकार के कर देते दे थे जिनमें कि समतट डवाक कामरूप कर्तपुर नेपाल आदि राज्य शामिल थे ठीक है जिसकी सीमा राज्यों से मिलती थी उन्हें इसने क्या किया टैक्स देने पर बाध्य कर दिया कि भैया आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा ठीक है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसने पूरे भारत देश पर विजय अभियान के माध्यम से शासन किया गे? उत्तर भारत भी इसके हाथ में था दक्षिण भारत भी इसके हाथ में था पश्चिम भारत भी इसके हाथ में था और पूर्वी भारत भी इसके हाथ में था ठीक है ओके आगे आप देखिए समुद्रगुप्त ने कुछ विदेश विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए थे जिनमें ये शामिल हैं आपके देवपुत्र शाह ये कितना बड़ा नाम है आप देखिए देवपुत्र शाही शाह नु शाही शक मुरंड सिंघल सिंघल कहां पर है ये आपका ये जो श्रीलंका है ना वही आपका सिंघल है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो विदेशी राज्य थे इससे भी इसने काफी अच्छा संबंध बना रखा था ठीक है ना तो ये जो आपके सैन्य अभियान है इन सैन्य अभियान के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया किस किस से समुद्रगुप्त ने युद्ध किया था किस किस राज्य को वापस अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था किस प्रकार से विस्तार किया था ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सैन्य अभियान तो आपने देख लिए किस किस राज्य से कब कब युद्ध किया था किस किस को हराया था लेकिन आप हाँ ध्यान रखना यह सैन्य अभियान में इसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी जिसकी वजह से इसको जीत मिली थी उन नीतियों को समझने का प्रयास कीजिए देखिए इसकी कुछ चार प्रकार की नीतियां हैं चार नहीं पांच प्रकार की नीतियां हैं इसके माध्यम से इसने अपने जिसके माध्यम से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था देखो पहली नीति कौन सी है आपकी पहली है आपकी राज्य सबोध धारण इसका मतलब क्या है मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया डायरेक्ट युद्ध किया और युद्ध करने के बाद डायरेक्ट मिला लिया दूसरा है आपका सर्वा सर्व करा दाना क्यारम या कैसे कैसे ये नाम होते हैं ये सर्व कर दाना ग्याकरण ये नीति कैसी है सीमांत क्षेत्रों के लिए थी ये सीमांत क्षेत्रों के साथ जो है अच्छे खासे संबंध बना लिया करते थे गुप्त वंश के शासक ठीक है ना एक है आपकी परिचारिकीकृत नीति ये कैसी नीति थी ये जंगली राज्यों के लिए थी जो जंगल में निवास करते थे ना उनको डायरेक्ट मारा पीटा मार पीटने के बाद उनके राज्यों को हड़प लिया हड़पने के बाद जो है उनको सेवक बना लिया है ना तो यह किसके लिए थी आर्टिफिक जनजातियों के लिए थी जो जंगल में निवास करते थे फिर नेक्स्ट है आपकी ग्रहणों ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण भारत के बारह राज्यों के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्यों को सौंप दिया मैंने कहा था ना आपसे दक्षिण भारत में एक संघ बन गया समुद्रगुप्त के खिलाफ संघ बनने के बाद भी ये दक्षिण भारत के राज्य नहीं जीत पाए समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया हराने के बाद समुद्रगुप्त ने बहुत ही सम्मान तरीके से उनको उनका राज्य सौंप दिया सौंपने के बाद उस उनसे बोला कि भैया आप विद्रोह नहीं करना और समय समय पर हमें टैक्स देते रहना ठीक है तो इनडायरेक्टली इस नीति के माध्यम से दक्षिण भारत को भी इसने जीत लिया था नेक्स्ट एक नीति है काफी महत्वपूर्ण है ये है कन्यापायन यानी कि विदेशी राजा हैं उनको हरा दी हरा दिया और हराने के बाद जो है उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए कि आने वाले समय में कभी भी ये विद्रोह की भावना मतलब विद्रोह की भावना से कभी भी आक्रमण ना करें ठीक है तो विदेशियों को पराजित किया पराजित करने के बाद उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध बना लिए थे ठीक है तो ये देख लीजिए देख लीजिए आप समुद्रगुप्त की विजय नीति विजय नीति में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी राज्य देखिए कौन सी नीति है ये राज्य प्रबोधरण की नीति सर्वकर दाना कारणम की नीति परिचारी कृत की नीति और इसके बाद कौन सी आपकी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति ठीक है और एक और है आपकी कन्या पायन की नीति यह आप ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए ठीक है अभी हम लोग दस मिनट का ब्रेक लेते हैं दस मिनट की ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं हम लोग बात करेंगे अश्वमेघ यज्ञ के बारे में फिर समुद्रगुप्त की जो अन्य विशेषता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर समुद्रगुप्त है वो आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग बात करेंगे पी डी मिलेगी आपको पी मिलेगी आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी ठीक है ना अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो भूपेंद्र सिंह दिनकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उसी नाम से आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप ठीक है ना लगभग 12000 बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर पीडीएफ डी एफ के लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा और 21 जून यानी कि आज से बैच स्टार्ट हो चुका है हो गया है नया जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो लें और अभी 45% परसेंट का ऑफर भी चल रहा है तो बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अपन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है ओके दस मिनट का ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से मिलते हैं <खेखेँ>. चलिए तो हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं अभी हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी समुद्रगुप्त के बारे में तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त ने जो विजय हासिल की थी उसके जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं ये हम लोगों ने बात की थी जिसमें कि प्रयाग प्रशस्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है एरण अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके अलावा नालंदा अभिलेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इसकी जो मुद्राएँ हैं हाँ किस प्रकार से इनकी मुद्राओं के माध्यम से सॉरी समुद्र गुप्त की जो मुद्राएं हैं इन मुद्राओं के माध्यम से हमें समझ में आता है कि समुद्रगुप्त का जीवन किस प्रकार का था कौन कौन से इसने विजय अभियान किए थे क्या ये कला एवं संस्कृति का प्रेमी था या फिर नहीं था तो समुद्र गुप्त की मुद्राओं के बारे में भी हमें समुद्रगुप्त की मुद्राओं के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है ठीक है समुद्रगुप्त के बारे में इसके बाद हम लोगों ने कुछ सैन्य अभियान की बात की थी किस प्रकार से दक्षिणापथ के राज्यों को हराया किस प्रकार से आर्यवर्त को हराया जो कि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और किस प्रकार से आठविक जो आपके राज्य थे उसको हराकर सेवक बना लिया ठीक है ना फिर हम लोगों ने बात की थी समुद्र गुप्त की कुछ विजय नीति जिसमें कि राज्य प्रसवो उत्थान की नीति थी सर्वकर दान ज्ञाकरण की नीति थी परिचारी परिचारिकीकृत नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी और कन्या की नीति थी ठीक है ना तो आप देखिए इन सभी नीतियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बराबर समझ में आ रहा होगा ठीक है इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं अश्वमेघ यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से समुद्रगुप्त ने क्या किया था अपने राज्य का विस्तार किया था देखते हैं अश्वमेघ यज्ञ के बारे में अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया तथा तो अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि भी धारण की थी मैंने आपसे कहा था कि प्रयाग प्रशस्ति में कहीं पर भी अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन नहीं दे रखा है लेकिन एक अभिलेख है जिसमें इसे अश्वमेघ पराक्रम की संज्ञा दी गई है जो कि इसकी जो बेटी थी प्रभावती उसके द्वारा लिखा गया था वह अभिलेख ठीक है ना लेकिन ध्यान रखना अपनी विजय के पश्चात यानी कि इसने जो आर्यवर्त को जीता था और दक्षिणावर्त को जीता था उसको जीतने के बाद इसने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया और इसने अपने आप को जो है अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि से सम्मानित किया नोट गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र सुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे ठीक है ना गुप्त के पहले कौन थे आपके वो थे आपके पुष्यमित्र सुंग इसने भी दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे लेकिन सबसे ज्यादा जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था वो किसने करवाया था वो समुद्रगुप्त ने करवाया था समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी यह विशाल साम्राज्य आपका उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था यानी कि लगभग उत्तर भारत में इसका साम्राज्य फैला हुआ था और दक्षिण भारत में भी इसका साम्राज्य था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग टैक्स वैक्स देते थे ठीक है अगर करता भी सही प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण दक्षिण भारत पर और उसको अपने राज्य में मिला भी लेता तो अव्यवस्थाएं फैल जाती दक्षिण भारत को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना तो स्थायित्व बनाने के क्रम में इसने दक्षिण भारत के अभियान को करने के बाद जो है इसने अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य को मिलाया प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से और सभी राजाओं को टैक्स देने के लिए बाध्य कर दिया कि भैया आप टैक्स देते रहना और हमारी जो अधीनता है वो स्वीकार करते रहना कभी विद्रोह नहीं पर अपना चाहिए ठीक है बाकी आप शासन करना है शासन करते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अलावा कश्मीर पश्चिमी पंजाब पश्चिमी राजपूताना सिंध गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में समस्त उत्तर भारत इसके शासन में शामिल था आप देख सकते हैं कौन कौन सा राज्य शामिल नहीं था कश्मीर पश्चिमी पंजाब पश्चिमी राजपूताना सिंध और गुजरात ये आपको सीमावर्ती क्षेत्र देखने को मिल रहे होंगे सीमावर्ती क्षेत्रों में इसने अपने शासन की स्थापना नहीं करी क्योंकि तो जब भी आक्रमण वाक्रमण होगा ना तो इन्हीं राज्यों में आक्रमण होगा और समुद्रगुप्त को संभलने का मौका मिल जाएगा इसलिए इसने कभी भी ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर आक्रमण नहीं किया वहाँ को नहीं जीता जीतना चाहता तो आराम से जीत लेता कश्मीर पश्चिमी पंजाब पश्चिमी राजपूताना इसको जीतना आसान थोड़ी था वो मुश्किल थोड़ी था जब इतने बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया इसने समुद्रगुप्त ने तो इसको भी जीत लेगा वो लेकिन सीमा प्रांत क्षेत्रों को जीतना सही नहीं है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से ठीक है ना चलिए अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की कुछ छोटी मोटी विशेषताएं जो बची हुई हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे जो आपके साहित्यकार हैं संगीतज्ञ हैं इसके अलावा जो दार्शनिक हैं उनको संरक्षण दे रखा था इसने सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब इंटरेस्ट था उसको वीणा बजाने में काफी अच्छा वीणा वादक भी था और यहां पर जो है कविराज की उपाधि उसने धारण की थी जिसके माध्यम से समझ में आता है कि वो भैया कवि कवि संगीतज्ञ और विद्या का अच्छा खासा संरक्षक था समुद्रगुप्त ने व्याघ पराक्रम अति अप्रतिरथ पराक्रम आदि उपाधियों को धारण किया ये उपाधियां वगैरह आपको ध्यान में नहीं रखनी है आपसे पूछेगा भी नहीं ठीक है ना ओके उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया यानी कहने का मतलब ये धार्मिक रूप से काफी सही सहिष्ण था ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का हिंदू धर्म का समर्थक था तो बौद्ध और जैन को हतोत्साहित करे या फिर बौद्ध और जैनों को मारे ऐसा नहीं था आपने देखा होगा पुष्यमित्र सुंग ने किस प्रकार से बौद्धों को मारा बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करी कितने सारे स्तूपों का उसने उसने तुड़वा दिया लेकिन समुद्र गुप्त ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया उसके शासनकाल में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे जितने भी आपके जैन मुनि थे सभी को संरक्षण प्रदान किया इसके साथ साथ उसने भूमि भी दान में दी कि भैया आप जो है अपना खर्चा पानी चलाते रहो समुद्र गुप्त समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेधवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की बनाने की अनुमति मांगी थी जिसकी अनुमति दे दी गई इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वो धार्मिक रूप से काफ़ी सहिचोण था बौद्ध हो जैन हो आजीविक संप्रदाय के लोग हों सभी को इसने अनुमति दे रखी थी कि आपको धार्मिक कार्य करना है आप करिए अच्छी बात है क्योंकि तो धार्मिक कार्य के माध्यम से समाज में नैतिकता फैलती है जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ ठीक है ना श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गयाम है कहाँ पर ग्याम गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी और इसने आराम से दे दी कि भाई साहब आप बौद्ध मठ बनवाना चाहते हो बनवा लो कोई दिक्कत नहीं है ओके ठीक है इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है ताम्रपत्र में समुद्र गुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है ठीक है कहने का मतलब यह है कि समुद्र जो था वो भागवत धर्म का अच्छा खासा फॉलोवर था यानी कि भाग जो भागवत धर्म है जो वैष्णव धर्म है उसका ये अनुयायी था ठीक है यहां पर समुद्रगुप्त की स्टोरी खत्म होती है और स्टोरी स्टार्ट होती है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं लगभग तीन से चार ईसवी ईस्वी तक इसने शासन किया ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं तीन से 415 ईस्वी इस तक इसने शासन किया था ठीक है ना एक लंबी अवधि होती है छोटी मोटी नहीं थी लंबी अवधि वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त का नाम उल्लेखित है परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है जिस प्रकार से समुद्रगुप्त काफी प्रतापी शासक था उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं वो भी एक प्रतापी शासक था लेकिन इन दोनों के मध्य काल में एक और शासक आया था रामगुप्त रामगुप्त बहुत ही कायल टाइप का इंसान था ठीक है इसका शासन जो है एक लंबे समय तक नहीं चल पाता रामगुप्त का बहुत जल्दी ये मारा जाता है ठीक है फिलहाल अभी तो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करनी है विशाख दत्त के द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा वह शकों से पराजित हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया आप देख सकते हैं ना एक समुद्रगुप्त जिसने कि आतंक मचा रखा था पूरे भारत देश में उत्तर भारत के राज्यों को जीत लिया था दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लिया था उसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है रामगुप्त रामगुप्त यहाँ तक कि शकों से हार जाता है यार शक कितने दुर्बल थे उस टाइम पर गुप्तों की प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा थी उस टाइम उस उस टाइम पर शकों से हार गया शकों से हारने के बाद जो है अपनी पत्नी देने को तैयार हो गया कितनी शर्मनाक बात है है या फिर नहीं है इस आधार पर आप बोल सकते हो कि बहुत ही शर्मनाक बात थी कि अपनी पत्नी को देने को तैयार हो गया और शकों से पराजित हो गया तभी तो मैं बोल रहा हूं कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक रामगुप्त नाम का कलंक आया था इसने अपनी पत्नी तक को देने को तैयार हो गया था ये शकों को ठीक है ना और शकों से पराजित भी हो गया था लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं इसने गुप्तों की वापस प्रतिष्ठा को बढ़ाया है ना अब देखते हैं कौन कौन से इसने विजय अभियान किए देखिए आगे देखिए रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया ठीक है ना रामगुप्त को मार दिया था शकों ने रामगुप्त की जो विधवा थी उससे शादी कर ली कौन थी उसकी बीवी उसकी बीवी थी क्या नाम था उसका ध्रुव देवी जिसको रामगुप्त शकों को देने को तैयार हो गया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया अपनी भावी से ठीक है दिल्ली से कुतुब मीनार के पास खड़े एक लोहे स्तंभ जैसे हम लोग नाम से जानते हैं मेहरोली का लोहे स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नाम राजा को को कौंती का वर्णन ये क्या है सेंटेंस नहीं बन नहीं पा रहा है ये कौंती नहीं है ये कीर्ति है है ना कीर्ति है तभी सेंटेंस सही बनेगा ठीक है जो चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है तो आप समझ सकते हैं जो मेहरोली का जो लोह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास खड़ा हुआ है उसमें चंद्र नाम के राजा का वर्णन है उसकी काफी जो है प्रशंसा की गई है और ये चंद्र नामक जो राजा है इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से विजय अभियान इसने लड़े किस प्रकार से इसने अपने वैवाहिक संबंध के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया किस प्रकार से इसने आगे चीज़ें बढ़ाई किस तरह से इसने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को वापस रिवाइव किया किस प्रकार से विदेशी शासकों जैसे कि शक और कुशाओं से इसने जो है युद्ध किया ठीक है ना ओके इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे देखिए उदयगिरी गुहा अभिलेख में किसमें उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख हमें मिलता है उसके शासनकाल में उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ पहला प्रमाणिक गुप्त अभिलेख है जिसमें तिथि का उल्लेख है देखो गुप्त साम्राज्य के बारे में गुप्त वंश के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है क्या क्योंकि जितना भी साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुआ है जितना भी हमें पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुआ है उसमें डेट मेंशन है डेट मेंशन है तो एग्जैक्टली exactly हम लोग पता लगा सकते हैं किस काल में कौन सी घटना घटित हुई थी ये सबसे अच्छी विशेषता है गुप्त वंश की एक एक घटना के बाद जो है उसमें तारीख मेंशन की हुई है कि भैया ये घटना इस समय पर घटित हुई थी सबसे बढ़िया चीज है ये अब आप देखिए किस प्रकार से वैवाहिक संबंध के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं लगभग तीन से चौदह पंद्रह चार सौ पंद्रह ईस्वी इस तक इसने जो है शासन किया था किस प्रकार से वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है देखो ये नीति तो किसने की थी स्टार्ट समुद्रगुप्त ने स्टार्ट की थी और समुद्रगुप्त की स्टार्ट की हुई नीति को ही आगे ये बढ़ाता है देखते हैं किस किस के साथ ये वैवाहिक संबंध बनाता है चंद्रगुप्त द्वितीय दुण ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से अपनी सीमा का विस्तार किया जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध बनाए और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राजाओं को हराया उसी प्रकार से ये भी काम करता है ठीक है ना देखते हैं किस किस से विवाह करेगा उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे यानी कि नागवंश से अब कोई खतरा नहीं है नागवंश की कन्या से विवाह कर लिया यानी कि अब शांति स्थापित हो गई बाद में अपनी जो पुत्री थी प्रभावती उसका विवाह किससे किया वाकटक वंश का एक राजा था क्या नाम था उसका रुद्र सेन्द्वती रुद्र सेन्द्वती के साथ जो है विवाह कर दिया उसने अपने पुत्र कुमार कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम शासक कुत्स वर्मन की पुत्री से कर दिया तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह किया किस प्रकार से अपने बेटे का विवाह किया किस प्रकार से खुद का विवाह किया और इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की और इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया इसने कुबेर नागा के साथ विवाह किया और नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध बनाए अपनी पुत्री का विवाह किया वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ और अपने पुत्र का विवाह किया कदम शासक की पुत्री कुत्सवर्मन के साथ है ना कदम शासक की जो कुत्सवर्मन की पुत्री थी उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया तो इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से वैवाहिक संबंध के माध्यम से इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया ठीक है देखिए आगे देखिए वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमा कर चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया ठीक है इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया जो व्यापार और वाणिज्य के लिए काफ़ी फेमस था ठीक है इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन काफ़ी संबंध समृद्ध हुआ कहने का मतलब ये है कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से वाकाटक के साथ अच्छे खासे संबंध बन गए और वाकाटक का शासन क्षेत्र कहाँ पर था ये आपको दिख रहा है मुंबई वाला क्षेत्र दिख, दिखता है आपको दक्कन वाला क्षेत्र वहाँ पर इनका शासन था तो वाकाटक से जब इनके अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इनको एक पश्चिमी तट है पश्चिमी जो कोस्ट है वो आपको मिल जाता है आप जानते हैं देखो जिसका अधिकार पश्चिमी कोस्ट पर हो गया या फिर पूर्वी कोस्ट पर हो गया पूर्वी तट पर हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पर आयात निर्यात तो होगा आयात निर्यात होगा तो टैक्स के रूप में राशि मिलेगी इनको राजकोष में वृद्धि होगी राजकोष में वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली क्या है समृद्धि आएगी है ना तो आप समझिए वाकाटक राज्य के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो वाकाटक राज्य से क्या मिल जाता है इसको पश्चिमी मालवा और गुजरात का क्षेत्र मिल जाता है और पश्चिमी गुजरात और मालवा का क्षेत्र जो होता है वो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यापार काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर इसलिए उसका राजकोष भी बढ़ जाता है राजकोष बढ़ेगा तो सेना में वृद्धि करेगा सेना में वृद्धि करेगा तो अनेक राज्यों को जीतने का प्रयास करेगा ठीक है ना तो आप समझिए वाकटक राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी मालवा और गुजरात मिल जाता है इसके बाद समुद्री तट से इसकी सीमा मिल जाती है समुद्री तट से मिलने के बाद इसका आयात निर्यात काफी अच्छा होता है और उस समय पर मालवा और उज्जैन जो है काफी समृद्ध हो जाता है ठीक है उज्जैन को काफी जो है फायदा मिलता है इसके बाद ध्यान रखना उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया तो बताइए पहली राजधानी क्या थी इसकी पहली राजधानी क्या थी ये बताइए आप मुझे उज्जैनी को द्वितीय राजधानी बनाया तो पहली राजधानी क्या थी उसकी तो भैया पहली राजधानी थी उसकी पाटलिपुत्र कौन सी थी पाटलिपुत्र मैंने आपसे कहा था इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका मगध ठीक है बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय आया तब इसने अपनी राजधानी किसको बनाया पाटलिपुत्र को बनाया प्राथमिक राजधानी कौन सी थी इसकी सॉरी चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने सेकंड राजधानी किसको बनाया उज्जैनी को और पहली राजधानी कौन सी थी इसकी पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र तो स्टार्टिंग से ही आपकी राजधानी रही है मौर्य मौर्यवर्श के समय पर काफी महत्वपूर्ण रही है आपकी है ना ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक देखते हैं शक को हराया क्या किया इसने आप जानते हैं ना इसका जो भाई था जिसका नाम रामगुप्त था रामगुप्त से रामगुप्त और शकों के बीच में जब युद्ध होता है तो रामगुप्त की हार होती है और रामगुप्त को मार दिया जाता है शकों के द्वारा और रामगुप्त तो यहाँ तक कि अपनी जो बीवी है उसको भी शकों को देने को तैयार हो जाता है लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है शकों को हरा देता है और उसकी जो भाभी होती है उससे वो शादी कर लेता है तो इसी युद्ध के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और शक के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक उस समय पर उज्जैन पर किसका शासन था उस समय पर उज्जैन पर शक का शासन था और शक शासक में सबसे प्रतापी शासक था यह कौन था रुद्र सिंह यह रुद्र सिंह और रामगुप्त के बीच, बीच में युद्ध होता है जिसमें रामगुप्त की हार होती है इसी से चुड़कर चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्र सिंह को युद्ध के लिए ललकारता है इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय हरा देता है शक शासक रुद्र सिंह को ठीक है संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी जब इसने शकों पर जीत हासिल की थी तभी इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे राजा होंगे जो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित करेंगे ये उपाधि जो है लगभग बारह राजा लेते हैं ठीक है और विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य पराक्रम का सूर्य ठीक है का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य तो इस प्रकार से आप देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन का शासक था कौन रुद्र सिंह को हराया रुद्र सिंह को हराने के बाद उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिला दिया और जब शकों पर विजय हासिल करी तो इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है पराक्रम का सूर्य भारतीय अनुश्रुतियों से भारतीय अनुश्रुतियां उसे शकारी शकारी का मतलब क्या होता है शकारी का मतलब होता है शकों का विजेता से स्मरण रखती है तो ये जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था ये काफी प्रतापी राजा था, और जो बेजीती की थी किसने रुद्र सिंह ने उसका बदला लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय ठीक है ओके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर वापस जो है प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाती है गुप्त वंश की देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में एक व्याघ्र शैली के चांदी का सिक्का चलवाया ठीक है ना शकों पर विजय पर शकों की विजय पर ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शकों की विजय पर ही इसने मालवा क्षेत्र में एक सिक्का चलवाया ये था आपका व्याघ्र शैली का व्याघ्र शैली का मतलब उस पर जो संरचना बनी हुई थी वो कैसी थी वो शेर की संरचना थी वो ठीक है अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ क्या आपको फोटो के साथ सही समझ में आता है या फिर बिना फोटो के आपको समझ में आता है सही बबिता सजनी सागर आई रतन भरद्वाज आपको फोटो के साथ सही समझ में आता है या फिर बिना फोटो के आपको समझ में आता है फोटो के साथ सर ओके कोई बात नहीं है अभी देखो तीन चार दिन तक मैं फ़ोटो के बिना आऊँगा क्योंकि तो एक्चुअली हुआ क्या कि सुबह सुबह जल्दबाजी में आया तो जो मेरा कैमरा था वो कैमरा गिर गया ठीक है ना तो अभी कैमरे का सेटअप वापस करना पड़ेगा मुझे ठीक है तो अभी कुछ दिनों तक यानी कि 25 26 तारीख तक जो है आप उन बिना फ़ोटो के ही आएंगे उसके बाद फोटो के साथ आऊँगा मैं है ना कोशिश करूंगा कि दूसरे कैमरे की जुगाड़ हो जाएगी तो फोटो के साथ ही आ जाऊँगा मैं लेकिन फिलहाल अभी फोटो के साथ आरपी आरपीएससी के लिए बेस्ट है ना सर अरे सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बेस्ट है चिंता मत कीजिए कम से कम पढ़े पढ़ें तो सही आप देखिए विक्रमादित्य को हम लोग सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसके अलावा इसने अपने समय समय पर जो है बहुत सारी उपाधियाँ भी ली थी अन्य नाम और अन्य उपाधियों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है स्टेट पी के एग्जाम जो है छोटे मोटे एग्जाम ये पूछ लेते हैं फिर बाद में बोलना मत सर ने पढ़ाया नहीं देखो विक्रमादित्य की उपाधि से तो आप जानते ही हैं इसके अलावा विक्रम की उपाधि भी विक्रमादित्य ओ सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी इसके अलावा परम भागवत की उपाधि भी इसने ली थी किसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त ने भी ये परम भागवत की उपाधि ली थी याद है आपको ठीक है तो अन्य उपाधियां हैं इन अन्य उपाधियों को भी आप ध्यान में रख लेना अन्य नाम इसके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त भी है देवराज भी है और देवश्री भी है ठीक है ना तो कुल मिलाकर इसने अपने आप को क्या कहा देवों का प्रतिनिधि कहा ठीक है ना इस उपाधियों के माध्यम से इस नाम के माध्यम से आपको समझ में आता है अब कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं क्योंकि तो उपाधियां वगैरह वही पूछता है यूपीएससी का भी उपाधि नहीं पूछता है अब देखते हैं विक्रमादित्य के समय पर कला एवं साहित्य में किस प्रकार से विकास हुआ क्या निर्माण करवाया इसने ठीक है देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का स्मरण युद्धों के कारण नहीं बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है यानी कहने का मतलब यह है कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल काफी यादगार है इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया इसने बहुत ज्यादा जो है दार्शनिक दार्शनिक आप ध्यान रखना स्पेशली दार्शनिक को इसने संरक्षण दिया आपने नाम सुना होगा अमर सिंह का नाम सुना होगा कालिदास का नाम सुना होगा धनवंतरी का नाम सुना होगा छपणक का नाम सुना होगा बेताल भट्ट बेताल भट्ट तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्टोरी भी आपने सुनी हुई होगी सीरियल भी बने हैं काफ़ी बेताल भट्ट और विक्रमादित्य के बारे में घटक पर के बारे में सुना होगा वराहमीर के बारे में सुना होगा देखिए उस समय पर हमारे भारत देश में बहुत सारे दार्शनिक थे जो दर्शन के क्षेत्र में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे है ना उन्होंने पहले खगोल शास्त्र में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सूर्य पृथ्वी के चक्कर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है दीर्घवत्ता पर चक्कर लगा रही सारी की सारी जो बातें हैं ना पता कर ली थी ये अंग्रेज लोगों को है ना बाद में मालूम चला कब चौदवी और पंद्रहवीं शताब्दी के समय पर कि भाई साहब पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगा रही है ना कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है हमारे भारत देश में पहले ही कब की बात करें तीन सौ निन्यानवे की बात कर रहा हूं मैं तीसरी और चौथी शताब्दी की बात कर रहा हूं तभी हमें मालूम चल गया था कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के पृथ्वी की परिधि के बारे में हम लोगों ने याद कर लिया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी हमें पता चल गया था हमारी संस्कृति बहुत आगे थी इन लोगों से समझ जाइए आप है ना तो देखिए समुद्रगुप्त को हम लोग युद्ध के कारण जानते हैं और चंद्रगुप्त को हम लोग कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जानते हैं ठीक है ना देखिए नौ विद्वानों का नाम आप ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण कुछ याद रहे या फिर ना रहे ये तो आप याद रखना देखिए कौन कौन से हैं कालिदास कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं ना ये सारी की सारी रचनाएं याद कर लेना काफी महत्वपूर्ण है धनवंतरी छपणा ये कौन थे ज्योतिष ज्योतिषी थे ये एक तरह से ये जो थे वो ग्रह वगैरह ग्रह नक्षत्र वगैरह इसके बारे में जो है जानकारी दे देते थे ठीक है ना अमर सिंह ने एक डिक्शनरी का निर्माण किया था अमरकोश नाम से आपने सुना होगा वेताल भट्ट एक तरह से आपका तंत्र मंत्र विद्या जानता था वरामीर आप जानते हैं खगोल शास्त्री का एक बहुत बड़ा इंसान था है ना ऐसे सारे आपके जो है विद्वान को संरक्षण दे रखा था कि इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने ठीक है ठीके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग कला एवं साहित्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं समुद्रगुप्त युद्ध अभियानों की वजह से जाना जाता है और यहां पर विक्रमादित्य कला एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में जाना जाता है ठीक है ये नाम ध्यान रखना है जो मैंने आपको नाम बताएं कालिदास धनवंतरी छपनक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकपर वराहमीर और वरुची नौ विद्वान नौ विद्वान की संज्ञा हम लोग इसको दे सकते हैं ठीक है ना नवरत्न के बारे में तो आप जानते हैं अकबर से संबंधित था इसके अलावा अष्ट दिग्गज के बारे में आपने सुना होगा जो मराठाओं से संबंधित थे अष्ट दिग्गज नहीं अष्ट दिग्गज तो उससे संबंधित थे आपके कृष्ण कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य ये काफी महत्वपूर्ण है ठीक है तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका उसके शासनकाल में एक यात्री आया था कौन आया था फायन ये काफी कई कह, बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायन किसके काल में आया था पायान किसके शासनकाल में आया था तो वो आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और ऐसे बच्चे जिसको पी चाहिए ना वो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से सर्च कर लें स्पेलिंग नहीं आती हो तो स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक दे रखी है तो वहां से आप क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लोन की लिंक दे रखी है तो वहां से आप लोन पा सकते हैं ठीक है ओके चलिए तो पी आपको जो है मिल जाएगी भूपेंद्र सिंह दिनकर के ग्रुप पर तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय तो के समय पर कौन सा वो आया था विदेशी यात्री वो आया था आपका फायन। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा हुआ है देखिए ऐसा है कि जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको ये कोर्स काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए और मेरे हिसाब से अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्री का हो बस ये है कि विश्वास ना हो तो भैया पेपर उठा के देख लेना कोई भी क्वेश्चन कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ लो जैसे मैं गुप्त वंश पढ़ा रहा हूँ गुप्त वंश आप पढ़ लो अच्छी तरीके से उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे नहीं बनेंगे तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं आपका है ना और मैं वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद तो आप देख सकते हैं कि सारे सार सारे के सारे क्वेश्चन चाहे यूपीएससी के हों चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं उस टॉपिक से ठीक है अभी क्लास कितने देर तक चलेगी क्लास बस साढ़े दस तक चलेगी दस मिनट और चलेगी उसके बाद क्लास को हम लोग खत्म कर देंगे ठीक है ना और ऐसे बच्चे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्टली आप मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओगे और मैं ही आपको गाइड करूंगा ठीक है कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं ही उसका समाधान करूंगा ठीक है ना यूपीएससी में गाइडेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है तो गाइडेंस के लिए आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है वरना यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीजें चलती हैं है ना कुछ चीजें छूट जाती हैं कुछ चीजें करा दी जाती हैं ठीक है ओके तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी आपके पास नहीं है पैसा सब्सक्रिप्शन के लिए तो मैं यहां पर यूट्यूब पर आपके साथ में हुई ठीक है ओके और इक्कीस तारीख से बैच स्टार्ट हो रहे हैं आज से यानी कि इक्कीस तारीख है आज आज से बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं चलो ठीक है अब हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे फायान के बारे में फायान का यात्रा विवरण ठीक है देखते हैं क्या बोलता है फायान क्या है फायान तो फायान चीन मध्य एशिया एक मिनट रुको ये काम क्यों नहीं कर रहा क्यों नहीं काम कर रहा देखो फायन चीन मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से तीन सौ निन्यानवे ईस्वी में भारत आया ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप से होते हुए समुद्री मार्ग से चार सौ चौदह ईस्वी में स्वदेश लौटा उसके वर्णन कुछ इस प्रकार है देखिए देखिए एक तो आपको बात ये ध्यान रखनी है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर यह हमारे भारत देश में आया दूसरी बात इसने हमारे भारत देश के बारे में क्या कहा देखिए मध्य देश में मध्य देश ब्राह्मणों का देश है यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था केवल आर्थिक दंड यहाँ पर प्रचलन था ऐसा कुछ फायान के बारे में बोला गया है देखिए गुप्त वंश के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गुप्त वंश की नींव वैश्यों ने डाली थी यानी कि जो आपके बनिए लोग हैं उनने डाली थी लेकिन फायन ने यहाँ पर क्या बोला है फायान ने यहाँ पर बोला है कि मध्य देश जहाँ जहाँ पर गुप्त वंश का शासन था ये ब्राह्मणों का देश था यानी कि यहाँ पर ब्राह्मणों को काफ़ी सम्मानजनक जो था उपाधियों से मतलब कुल मिलाकर जो है ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया जाता था और ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा था इसलिए पायान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बोला और कहा कि भैया यहाँ के जो लोग हैं किसान हैं आम आदमी हैं शिल्पी लोग हैं कारीगर हैं सभी लोग खुश हैं सभी लोगों के पास पैसा है और यहाँ पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता यहाँ केवल और केवल आर्थिक दंड दिया जाता है यानी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो पैसे वैसे दो और छूट जाओगे कोई भी ऐसा इंसान है उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा लेकिन आप जानते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं वहां पर मृत्युदंड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है ठीक है लेकिन फायन ने मृत्युदंड को सिरे से ही नकार दिया ठीक है मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते हैं। ऐसे बोलते किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते आप मुझे बताओ उस समय पर क्या मांसाहारी लोग नहीं रहते होंगे अब मांसाहारी लोग रहते होंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो मुर्गा बकरा काटते होंगे ठीक है तो क्या बोल रहा है ये फायन मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे तथा मांस मदिरा प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी फायान रहा होगा वहाँ वहाँ पर कुछ इस प्रकार के लोग मिले होंगे जो मांस मदिरा और प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते होंगे लेकिन आप जानते हैं एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा था जो कि मांस मदिरा प्याज लहसुन सबका सेवन करता था तो ये जो इसने कहा है ना हमारे समाज के बारे में ये कहीं तक कहीं कहीं पर जो है असत्य प्रतीत होता है हमारे है ना यहाँ पर चंडाल जो होते हैं ना चंडाल चंडाल जो है मांस मदरा प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं ये अपवाद के स्वरूप जो है अपवाद के स्वरूप में पायन ने बताया है मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे आप देख आप ने एक डायलॉग सुना होगा ना कि मैं तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा उस समय पर कौड़ी जो है वो विनिमय का काम करती थी यानी कि आज आप नोट देते हो ना नोट देकर आप कोई सा भी सामान कोई सी भी सेवा ले, ले लेते हो उस समय पर कौड़ियाँ काफ़ी प्रचलित में थी है ना चलिए इसके बाद आप ध्यान रखना ये जो फायन आता है ऑब्वियसली ये बौद्ध धर्म का वो था समर्थक था तो बौद्ध स्थानों में यात्राएं भी करेगा ठीक है तो बौद्ध स्थानों पर ये यात्राएं भी करेगा संख्य सा श्रावस्थी में उसने अनेक स्मारक और भिक्षु देखे पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा अशोक जानते हैं ना ये काफ़ी प्रतापी राजा था उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया उसने बोला कि भाई इतना भव्य राजमहल मैंने आज तक नहीं देखा जहां से मैं आया हूं वहां पर भी देखा नहीं है मैंने इतना भव्य इमारत तो कोई ना कोई भगवान ही इसे बना सकता है किसी इंसान की इतनी क्षमता नहीं है कि इतना भव्य स्मारक बना दे है ना हमारे भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट थे उस समय पर उसने नालंदा राजगृह बौद्ध गया वैशाली श्रावस्ती तथा कपिल वस्तु की भी यात्रा करी देख लीजिए कहां कहां पर ये पवित्र स्थान थे बौद्ध से संबंधित थे महात्मा बुद्ध से तो ऑब्वियसली ये यात्रा करेगा ही करेगा एक ध्यान रखना चीनी ग्रंथ में भारत को हू कहा जाता है है ना आपसे ये शब्द पूछ लिया जाएगा हिंदु का मतलब क्या है का मतलब क्या है ठीक है तो यु का मतलब है हमारा भारत देश ठीक है ये आप हायन के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कुछ कला एवं साहित्य में वापस हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी उज्जैनी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में पाटलिपुत्र कहाँ पर है बिहार में है यहाँ पर शिक्षा संबंधी कार्य चलते थे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज स्थापित थे यहाँ पर गुरुकुल टाइप की मान लीजिए आप कॉलेज नहीं बोलेंगे आप उसे गुरुकुल बोल सकते हैं तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी में गुरुकुल और गुरुकुल स्थापित थे जिनका कर्तव्य था कि आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा दी जाए ठीक है और राजा महाराज जो है इनको संरक्षण प्रदान करेंगे इनको दान देंगे भूमि में भूमि दान देंगे जहां से टैक्स वैक्स वसूल करके ये अपना खर्चा पानी चलाएंगे ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीर सेन शैव मतानुयायी था और सेनापति आमर देव ये बौद्ध अनुयायी था तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन में अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग धर्म को मानने वाले अधिकारी रहते थे लेकिन 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 चंद्रगुप्त द्वितीय को इनसे कोई दिक्कत नहीं थी इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय धार्मिक रूप से सहिष्ण व्यक्ति था है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष काल का काल माना जाता है ठीक है कहने का मतलब यह है कि भागवत धर्म का काफी विकास हुआ था जिसकी शुरुआत पुष्यमित्र सुंग ने की थी वो जिसकी शुरुआत पुष्यमित्र सु ने की थी ब्राह्मण धर्म को रिवाइव करने की वो अब इस समय पर काफी अच्छी तरीके से रिवाइव हो चुका था बहुत सारी जनता थी जो कि ब्राह्मण धर्म को मानती थी जो कि भागवत धर्म को मानती थी ठीक है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का चैप्टर खत्म होता है इसके बाद हम लोग कुमार गुप्त की बात करेंगे लेकिन कुमार गुप्त की बात हम लोग कल करेंगे आज नहीं करेंगे यहाँ पर जो है आपका समाप्त होता है क्या चंद्रगुप्त द्वितीय तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा याद कीजिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज गुप्त वंश के बारे में पढ़ा गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत हम लोगों ने पढ़े जिसमें कि साहित्यिक स्रोत की हम लोगों ने बात की थी साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको देवी चंद्रगुप्तम बताया कालिदास की बहुत सारी रचनाएं थी ऋतु संघार कुमार संभव मेघ माल विकास मित्रम अभियान शाकुंतलम इन सबके बारे में हम लोगों ने बात की पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में बात की थी भीतरीय स्तंभ अभिलेख के बारे में बात की थी जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम लोगों ने बात की थी इसके अलावा हम लोगों ने विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोगों ने फायन और वैनसांग के बारे में बात की फाययान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी वैनसांग के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी पढ़ेंगे वैनसांग के बारे में ठीक है ना इसके बाद हम लोगों ने प्रमुख शासक की बात की श्रीगुप्त से हम लोगों ने स्टार्ट किया फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोगों ने बात की इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था समुद्रगुप्त जिसने 350 से तीन सौ ईस्वी तक शासन किया समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त की जो रचनाएँ हैं मुद्राएँ हैं और समुद्रगुप्त की जो मुद्राएँ हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान है उसके बारे में हम लोगों ने समझा समुद्रगुप्त की जो विजय नीति थी पाँच प्रकार की नीति थी कौन कौन सी राज्य प्रसुभोद्धारण सर्व कर व्याकरण की नीति परिचारिकी कृत की, की नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति और कन्यापायन की नीति ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चारों की पांच पांचों की पांचों नीतियां हैं वो याद कर लेना फिर हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जिसने तीन से चार सौ ईस्वी तक शासन किया और इसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं इसने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध और वैवाहिक संबंध के माध्यम से किया देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और शकों को पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी है ना और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके दरबार में नौ विद्वानों की एक मंडली है वो निवास करती थी इसका नाम मैंने आपको बताया था जिसमें कालिदास धर्वंतरी छपणक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट पर वराहमीर और वरुजी शामिल थे इन सभी के नाम आपको ध्यान में रखना है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर ही फायन हमारे भारत देश में आया था इसको भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है कल हम लोग कुमार गुप्त के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं 415 से 455 सौ पचपन ईस्वी तक इसने शासन किया था इसके सिक्के उपाधि और अन्य विशेषताओं की बात करेंगे इसके बाद स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त भी काफी महत्वपूर्ण है ओके स्कंद गुप्त के समय पर हणों का आक्रमण होता है ओके okay. इसकी भी हम लोग बात करेंगे स्कंद गुप्त भी गुप्त साम्राज्य का एक प्रतापी शासक था इसके बाद छोटे मोटे शासक होंगे जो कि दुर्बल और निर्बल थे उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है गुप्त प्रशासन गुप्त प्रशासन के बारे में जो मैं आपको शब्दावालियाँ पढ़ाऊंगा उनको आप ध्यान रखना ठीक है उसके बाद हम लोग कुछ न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में गुप्त समाज के बारे में बात करेंगे वर्ण व्यवस्था थी या फिर नहीं थी स्त्रियों की दशा कैसी थी अच्छी थी बेकार थी और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है गुप्त काल की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या बात करेंगे वाणिज्य और व्यापार किस प्रकार से होता था कौन कौन सी मुद्राएँ प्रचलित थीं धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी इसके बाद छोटे मोटे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कला एवं साहित्य में स्थापित कला का कौन कौन सा निर्माण करवाया था है ना मूर्ति कला और चित्रकला के बारे में भी बात कर लेंगे जो हम लोग ये जो पढ़ेंगे मूर्ति कला चित्रकला उसको आर्ट एंड कल्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जो है आइडिया मैं आपको यहाँ पर भी दे दूंगा कुछ उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे अभ्यास प्रश्न के बाद आपका ये वाला पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है ओके और ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो कि आज एडमिशन लेना चाहते हैं ठीक है ना वो ले सकते हैं बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी फिलहाल अभी फिलहाल बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है आपके लिए पैंतालीस परसेंट ऑफर आपको मिल रहा है बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोन की फैसिलिटीज भी ले सकते हैं देखिए आप पच्चीस प्लस दस प्लस दस परसेंट और मिल रहा है यानी कि पैंतालीस परसेंट प्लस फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है इसके अलावा यहाँ पर अस्सी टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं आप देख सकते हैं पचास प्रीलियम्स के और तीस मेन्स के तो उसको भी आप ले सकते हैं बीस बुकलेट भी आपको मिल रही हैं फ्री में देखो इन सब की कीमत अगर मिला लिया जाए तो लगभग दो लाख तीस हजार रुपये इसकी कीमत होती है देखो एक लाख पच्चीस हजार कोर्स फीस जो कि आप मुखर्जी नगर में जाते हैं तीस हजार रुपये की मेंस टेस्ट सीरीज पंद्रह हजार रुपये की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दस हजार रुपये की बुक और पचास हजार रुपये ऑप्शनल के टू पॉइंट थ्री लैक्स यहाँ पर यह कोर्स आपको केवल और केवल सत्तावन हजार पाँच सौ में मिल रहा है ठीक है बहुत ही कम कीमत है और एक तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल है तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लीजिए और कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी तैयारी कीजिए यहाँ पर आप फीस में बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करना है कर लेंगे तो आपकी जो फीस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ये कोड हमेशा ध्यान रखना ठीक है बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं बी एस लाइव कोड इसके अलावा आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर अन अकेडमी पर टेलीग्राम पर आपको भूपेंद्र सिंह विदकर के नाम से मैं मिल जाऊँगा ये अपना कोड है ये नाम है ठीक है तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम